ओके okay, सो so, आज क्लास नंबर टू पर है अपने और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिनंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज़ फिनंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज इंक्लूड्स अपने बात किए थे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अभी इनका हम लोगों ने फॉर्मेट वगैरह कुछ भी डिस्कस नहीं किया है मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन परसपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव इसका एप्लीकेशन जो है वो वाइड है काफ़ी बड़ा स्कोप है इसलिए इसे ज़्यादा डिटेल्स में करने की ज़रूरत है साथ ही साथ अपने किए थे टाइप्स ऑफ कंपनीज जिसमें हम लोगों ने किया था पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी अनलिमिटेड लाइब्रिटीज कंपनी लिमिटेड बाय लाइब्रिटी कंपनी या लिमिटेड बाय शेयर्स लिस्टेड अनलिस्टेड फॉरेन कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी ये सारे हम लोगों ने किए थे स्मॉल कंपनी वन पर्सन कंपनी तो ये सारे आप आ, लोग डिस्कस uh, मैंने किया था तो ये तो थ्योरेटिकल है पूरा बट जो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकल पार्ट है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो जैसे कि हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में मैनेजरियल रेमोनेशन और मैनेजरियल रेमोनेशन निकालने के लिए हम लोगों ने आपको मैंने आपको दो सिचुएशंस डाले थे आपके सामने एक जहां पर कंपनी प्रॉफिट में रन कर रही है और दूसरा सिनेरियो मैंने डाला था जहां पे कंपनी लॉस में रन कर रही है यदि कंपनी प्रॉफिट में रन कर रही होती है तो बोलते हैं उस सिनारीयो में यदि कंपनी प्रॉफिट में रन करेगी तो वहाँ पर अपने क्या करते हैं कि प्रॉफिट जो मैनेजरियल रेमरेशन होता है उसका मैक्सिमम लिमिट बेस्ड अपॉन द परसेंटेज होता है ओवरऑल लिमिट इलेवन परसेंट है और अपने उसमें केसेस किए थे याद होगा आपको कि अपने उसके अंदर में केस किए थे नंबर वन जहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर्स वो भी ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर्स आर मैनेजिंग तो उस केस में अपने को पता ही है कि पाँच परसेंट मैक्सीम होल टाइम डायरेक्टर्स का रेमोनरेशन हो सकता है और यदि मोर देन वन होल टाइम डायरेक्टर्स है तो उस केस में क्या होता है कि एटलीस्ट वहाँ पर मैक्सिमम दस हो सकता है ओनली पार्ट टाइमर्स आर मैनेजिंग तो तीन हो सकता है एंड पार्ट टाइमर्स का रेमोनरेशन डिपेंड करता है कि वेदर होल टाइम डायरेक्टर्स आर वर्किंग और नॉट यदि पार्ट टाइमर्स काम कर रहे हैं अलोंग विद द होल टाइम डायरेक्टर्स तो उस केस में पार्ट टाइमर का रेमरेशन मैक्सिमम वन परसेंट हो सकता है ओवरऑल पार्ट टाइमर एंड फुल टाइमर मिलाकर इन एनी कंडीशन शुड नॉट एक्सीड एलेवन परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट प्रॉफिट का मीनिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया था मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट का मीनिंग हम लोगों ने क्या किया था तो प्रॉफिट का मीनिंग यहाँ पर कुछ ये था कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करना है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ एंड बाउंडीज लेना है आपको आ, उसके साथ आपको अदर इनकम्स को भी लेना है बट नहीं लेना है दैट इज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को नहीं लेना है कैपिटल प्रॉफिट को नहीं लेना है और किसी भी तरह का और जो एबनॉर्मल नेचर का इनकम है जैसे कि कोई एसेस को बेच कर एबनॉर्मल नेचर नहीं बोलेंगे कैपिटल नेचर यदि ट्रांजेक्शनस होता है और उसके ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे नहीं लेना है Uh, आपको इससे ग्रॉस प्रॉफिट से सारे के सारे जो uh, मतलब एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग नेचर के वो सब लेस करने हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये आपको सिचुएशन दिख रहा होगा देखिए ये सबको नहीं लेना सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑफिटेड शेयर्स और आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग्स कैपिटल प्रॉफिट फॉन सेल ऑफ एसेट्स एनी चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट यानी कि रिवोल्यूशन प्रॉफिट को भी नहीं लेना है ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसिस ठीक है ना इनकम टैक्स प्रोविज़न नहीं लेना है वॉलेंटरी कंपनसेशन होता है नॉन ग्रेट यानी कि नॉन ऑब्लिगेटरी जो चीज़ का पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ है बट अपने उसका पेमेंट कर रहे हैं ऑल कैपिटल लॉसेस लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेस अंडरटेकिंग्स एंड कैपिटल एक्सपेंसेस ये सारे नहीं लेने राइट right? और इसके अलावा और क्या है एनी चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एनासिस यानी कि रिवोल्यूशन लॉस को नहीं लेना है मैनेजरियल रेमोडिएशन नहीं लेना है क्योंकि प्रॉफिट हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैनेजरियल रेमोडिशन कैलकुलेट करने के लिए ही कर रहे हैं और अप्रोप्रिएशन यानी कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व डिविडेंड या कोई और तरह का अप्रोप्रिएशन है तो उसे नहीं लेना है और डायरेक्टर फीस लेना है बिकॉज डायरेक्टर फीस को अपने पार्ट ऑफ क्या मानते हैं पार्ट ऑफ मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हैं तो वो मैनेजर रेम्यूनेशन का हिस्सा नहीं होता है फिर उसके बाद हम लोगों ने केस टू किया था फॉर कंपनीज हैविंग लॉस तो केस टू में आप देखो कि जो दिया जाता है कि यदि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है या कंपनी सफरिंग लॉसेस तो उस केस में क्या होता है कि एक सेलिंग बना दिया गया कि इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर रेमोनरेशन दिया जाएगा यानी कि यदि इफ़ेक्टिव रेमोनरेशन सॉरी कैपिटल जो है यदि पाँच करोड़ से कमती है तो उस केस में साठ लाख रुपया मैक्सिमम रेमोनरेशन एनुअल रेमोनरेशन हो सकता है यदि इफेक्टिव कैपिटल जो इम्प्लॉयड है वो पाँच करोड़ या उससे अधिक बट लेस देन आपका कितना है हंड्रेड करोड़ है तो यदि पाँच करोड़ से हंड्रेड करोड़ का रेंज है तो उस केस में ये एटी फोर लैक्स का रेंज बन जाता है उसके बाद यदि आपका ये 100 करोड़ को एक्सीड कर जाता है या उसके बराबर है बट लेस देन 250 फिफ्टी करोड़ है तो उस केस में आपका जो रेमोनरेशन है वो वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी लैक्स है एक लाख यानी कि 1.2 करोड़ दिया जाता है उसके बाद यदि 250 फिफ्टी करोड़ या उससे अधिक हो जाता है तो उस केस में रेमोनरेशन मैक्सिमम जो हो सकता है दैट इज़ आपका एक सौ बीस लाख वन ट्वेंटी प्लस 0.01% पॉइंट जीरो वन परसेंट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग टू हंड्रेड एंड फिफ्टी लैक्स इफेक्टिव कैपिटल टू हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ तो ढाई सौ करोड़ को जो क्रॉस कर रहा हो उस अमाउंट को यहाँ पर यह बात लिखा हुआ है तो आपका ढाई सौ करोड़ को जो एक्सीड कर रहा हो उसके ऊपर एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट मिलेगा इसके बाद है आपका इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है इफेक्टिव कैपिटल यहाँ पर डिफाइन किया गया दो अप्रोच है इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए एक होता है आपका बैलेंस शीट अप्रोच और दूसरा होता है आपका एसेट साइड अप्रोच साइड अप्रोच एसेट साइड अप्रोच साइड अप्रोच में क्या होता है अपने यहाँ पर शेयर कैपिटल लेते हैं मतलब शेयर होल्डर्स फंड उसके अंदर में रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंगस लेते हैं यानी कोई भी आउटस्टैंडिंग और अमाउंट जो पेबल है फॉर द पीरियड एक्सीडिंग वन ईयर उसे भी यहाँ पर लेना है यदि आपका विद इन वन ईयर देना है मतलब वो लाइवलिटीज़ को पे करना है तो दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और यदि ये, ये आपका नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी हुई यानी कि अल्टीमेटली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को अपने क्या कर देते हैं लेस कर देते हैं फिफ्टीस एसेट्स जो होगा वो भी अपने यहाँ पर लेस करेंगे ये जो आएगा इसे अपने बोलेंगे इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरा अप्रोच भी है निकालने का मैंने कॉपी में लिखवाया है वो सेकेंड अप्रोच ये है कि आप कैसे निकाल सकते हो तो बोलते हैं सेकेंड अप्रोच ये है कि आप आ, सबसे पहले लिख दोगे नॉन करंट एसेट्स ठीक है फिर करेंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिमेंबर एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है इससे आपको क्या करना है इस आ, ये जो अमाउंट आया उसे करंट आसेज़ भी आपको करेंट आसेज भी ऐड करना है नॉन करेंट आसेस नॉन करेंट आसेज एंड करेंट आसेज ऐड करना है एक्सक्लूडिंग आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस करना है करंट लाइबलिटीज़ करंट लाइबलिटीज़ माइनस करना है फिर टीचर्स को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे फिर से मैं बोल दे रहा रहूँ नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट ऐसेस लेना है उसमें से आपको दो चीज को नहीं लेना है एक है आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा नहीं लेना है एसेट और इसे माइनस कर देना है आपको क्या तो इसे माइनस करना है आपको करंट लाइबलिटीज इससे जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज टू बी दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये हम लोगों ने किया था वी हैव डन टू प्रॉब्लम्स एंड आई थिंक दो सम्स हम लोग होमवर्क भी है लास्ट क्लास का तो वो दो सम्स पे आते हैं क्या है वो दो सम्स जो होमवर्क था होमवर्क करेंगे फटाफट से फटाफट से होमवर्क पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर यस टू फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ गंगा लिमिटेड ये आप देख सकते हैं दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ गंगा लिमिटेड you are required to calculate the managerial remuneration in the following situations there is only one full time directors yani keval aur keval ek hi full time directors hai there are two full time directors yani ki aapko pata hai yadi ek hi hoga to aapko maximum limit pata hai कि उस केस में maximum managerial remuneration कितना हो सकता है आपको अच्छी तरीके से पता है फाइव ठीक है और देर आर टू होल टाइम डायरेक्टर्स यदि दो होते हैं तो आपको ये भी लिमिट पता है कि तब उस केस में कितना होगा टेन देर आर टू होल टाइम डायरेक्टर्स अ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजर तो उस केस में ओवरऑल आपको पता है कितना हो सकता है इलेवन क्योंकि दो होल टाइम डायरेक्टर्स है तो वहाँ के लिए लिमिट है टेन और पार्ट टाइमर्स के का लिमिट यदि होल टाइमर्स काम करते हैं तो पार्ट टाइमर्स का मैक्सिमम वन परसेंट हो सकता है तो ओवरऑल लिमिट इलेवन परसेंट हो गया Uh, अपने जो सम्स किए थे लास्ट क्लास में वहाँ पर हम लोग ये सिचुएशन वाइज हमको डाल के नहीं पूछा था बट वी हैड आंसर्ड ऐसे ही कि यदि एक होगा तो क्या होगा दो होगा तो क्या होगा इस तरीके से अपने आंसर किए थे अब यहाँ पर दे रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स एंड मैनेजर रेमरेशन बट आफ्टर डेप्रीशियेशन एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स तो यहाँ पर अपने आठ लाख सत्तर हजार चार सौ दस का प्रॉफिट दिया हुआ है और इन्हें जो लाया गया है वो किन किन बातों को ध्यान में रख कर लाया गया वो बात भी यहाँ पर स्पेसिफाइड किया हुआ है कि ये कैलकुलेट किया गया है आफ्टर डप्रिशिएशन एंड प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स यानी डेप्रिशिएशन आपको तो पता ही है कि एज़ पर शड्यूल टू लेना पड़ेगा सो डेप्रिशिएशन शुड बी कंसिडर्ड इन द बुक्स एज पर शेड्यूल टू तो यहाँ पर शेड्यूल टू के हिसाब से आपको डेप्रिशिएशन लेना है नंबर वन एंड नंबर टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स को भी लिया गया है यहाँ पर डप्रीशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स इतना ये है तो ये वाला डप्रिशन नहीं लेना है अपने को पता ही है कि इसके ऊपर आप ये डप्रिशन हमें नहीं लेना है क्योंकि ये डप्रिशिएशन एज पर शेड्यूल टू नहीं है बट अपने कौन सा वाला डप्रीशन लेंगे तो डेप्रिशिएशन अलावेबल अंडर शेड्यूल टू इज़ टू लाख सिक्सटी थाउजेंड ये दो लाख साठ हज़ार वाला हम लोग लेंगे फिर दिया हुआ प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर तो बोल रहे हैं कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बनाया गया है कितने का पच्चीस हज़ार का ठीक है एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स ड्यूरिंग द ईयर लेकिन एक्चुअली ख़र्चा तो पंद्रह हजार का ही हुआ मतलब प्रोविज़न था पच्चीस का बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसी के लिए बनाया गया है पंद्रह हजार रुपये का तो सॉल्व करेंगे हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर टू टू और सबसे पहले अपने यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड मैनेजर रेमुनेशन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे बट आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर दिया हुआ है तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट गिवन हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट सोइंग स्टेटमेंट स्विंग नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजीरियल रेमनरेशन उसके नीचे आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट गिवेन नेट प्रॉफिट गिवन और जो फिगर गिवन है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए एट सेवन जीरो फोर वन जीरो एट सेवन जीरो फोर वन जीरो आठ लाख सत्तर हजार चार सौ दस एंड इसके अंदर में आफ्टर डेप्रीशियेसन है तो डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स है तो आपको वो डेप्रीशिएशन को एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि इसके कारण प्रॉफिट कम हुआ, हुआ हुआ है तो आपको ये वाला डेप्रीशिएशन बुक्स में जो प्रोवाइड किया गया से कैंसिल करेंगे तो ऐड करेंगे आप एड डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स तो बुक्स में डेप्रिशिएशन है थ्री लाख टेन थाउजेंड थ्री लाख प्रोवाइडेड इन द बुक्स थ्री लाख टेन थाउजेंड ये फिगर है इसका तीन लाख दस हजार नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे प्रोविजन फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर तो पच्चीस हजार का प्रोविजन है बट एक्चुअल खर्चा तो पंद्रह है ना तो अपने एक्चुअली अलाउ करेंगे प्रोविजन एक्स्ट्रा क्यों करेंगे तो अननेसेसरी एक्सेस प्रोविजन है तो वो कैंसिल करेंगे तो पच्चीस हजार का प्रोविजन है तो प्रोविजन फॉर रिपेयर प्रोविजन फॉर रिपेयर्स पच्चीस हजार ये भी ऐड करेंगे और लेस करेंगे डेप्रीशिएशन एज पर शेड्यूल टू एंड शेड्यूल टू का डेप्रिशन दिया हुआ है टू लैख सिक्सटी थाउजेंड तो टू सिक्स जीरो ट्रिपल ज़ीरो लेस होगा एंड एक्चुअल जो हमारा रिपेयर हुआ है वो लेस होगा तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन ऑन रिपेयर्स तो वो माइनस होगा फिफ्टीन थाउजेंड तो लिखेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स फिफ्टीन थाउजेंड फाइनली आपका प्रॉफिट फॉर द परपज ऑफ मैनेजरियल रेमोनेशन निकल आया तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेमोनरेशन अब ये निकालेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है तो यहाँ पर टू लैख सिक्सटी थाउजेंड सॉरी एट सेवन जीरो फोर वन जीरो उसमें एडब हो गया थ्री लाख टेन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और माइनस हो गया टू लाख सिक्सटी थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड तो रिजल्टिंग फिगर इज़ नाइन लाख थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टेन ठीक है नाइन लाख थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टेन सो नाइन लाख थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टेन ये जो नेट प्रॉफ़िट फॉर मैनेजरल रेमोनेशन आया इससे आपको अब क्या करना है इसी के ऊपर आपको रेमोनेशन निकालना है आपसे अलग अलग सिनारियों में पूछ रहे हैं तो आपको अलग अलग आंसर करना है फर्स्ट केस देयर इज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर तो आप लिखेंगे मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन फर्स्ट केस देयर इज वन होल टाइम मैनेजर है डायरेक्टर्स तो उस केस में मैक्सिमम आपका फाइव परसेंट हो सकता है तो यू विल राइट फाइव परसेंट ऑफ रुपीज नाइन थ्री जीरो फोर वन जीरो तो इसका फाइव परसेंट निकाल दिए फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव टू जीरो पॉइंट फाइव आ, आ रहा है तो आप इसको फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव ट्वेंटी वन भी लिख सकते हैं तो दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट फोर्टी ठीक है नंबर टू दो केस है देर आर टू होल टाइम डायरेक्टर्स तो लिखेंगे देर आर टू होल टाइम डायरेक्टर्स यदि दो होंगे तो उस केस में मैक्सिमम आपको पता ही है कि टेन परसेंट हो सकता है तो टेन परसेंट ऑफ रुपीज़ नाइन थ्री ज़ीरो फोर हंड्रेड एंड टेन तो रिजल्टिंग फिगर नाइन्टी थ्री थाउजेंड फोर्टी वन तो रुपीज़ नाइन थ्री फोर जीरो फोर वन नाइन्टी थ्री थाउजेंड फोर्टी वन थर्ड केस क्या है सो देर आर टू होल टाइम डिरेक्टर्स के बाद थर्ड केस में आएंगे जब बोल रहा है कि आपका देर आर टू होल टाइम डायरेक्टर्स अ पार्ट टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर ये सिचुएशन सो थर्ड केस लिखेंगे देयर आर टू होल टाइम डायरेक्टर्स एंड पार्ट टाइम मैनेजर्स तो ओवरऑल लिमिट उस केस में अलेवन परसेंट है तो आप लिखेंगे इलेवन परसेंट ऑफ जो अमाउंट है नाइन लैख थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टेन तो उसका एलेवन परसेंट निकाल दीजिए तो वन लाख टू थाउजेंड थ्री फोर्टी फाइव द रिजल्टिंग फिगर इज़ वन लैख टू थाउजेंड थ्री फोर फाइव तो ये है आपका तीनों सिनेरियो सॉल्व हो गया ये था क्वेश्चन नंबर टू अभी हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक फोर था तो ये हो गया हमारा अब क्वेश्चन नंबर फोर पर आएंगे फोर है देख लीजिए द फॉलोइंग एक्सटेक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी साफ साफ बोल दिया यहाँ पर कि एक्स लिमिटेड एक नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी है यानी इनका इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस नहीं है तो इसका मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट इनके बुक्स में दिखाई देगा वो सारे के सारे नॉन ट्रेड माने जाएंगे यानी कि उनका ये बिजनेस नहीं है तो अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी है ये तो इनका मतलब इन्वेस्ट करना इनका कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं है अदरवाइज़ इनका ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाता जिस चीज़ का आप बिज़नेस करते हो वो आपका नॉर्मल कहलाता है किसी के लिए मान लेते हैं कपड़े का बिज़नेस है टेक्सटाइल बिज़नेस तो उस किसमें उसके लिए टेक्सटाइल नॉर्मल बिजनेस है वो आपका नॉर्मल एक्टिविटी कहा जाएगा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ कहा जाएगा लेकिन उसी बंदे के लिए शेयर खरीदना बेचना एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो लेकिन वही कोई कंपनी जैसे राकेश झुंझुन वाला है तो फॉर राकेश झुंझुनवाला परचेज ऑफ शेयर सेल ऑफ़ शेयर्स परचेज ऑफ डिचर्स सेल ऑफ़ डिचर्स दीज एक्टिविटीज आर वॉट ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड दैट्स वाई दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड नहीं करते हैं तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि वेदर उसका बिजनेस का नेचर क्या है हमेशा हम लोग बिजनेस का नेचर देखकर ही डिसीजन लेते हैं कि आइटम ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है ठीक है हो सकता है जैसे इंश्योरेंस की बात करें हम लोग तो यदि कंपनी में मान लो कि बिजनेस में फायर ब्रोकआउट एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस हुआ इंश्योरेंस क्लेम किया गया ये कंपनी के लिए ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं है अब नॉर्मल है लेकिन वही इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये आम बात है इट्स कॉमन कि उनके लिए इस तरह का घटना होता रहता है सो दैट्स भाई ये डिपेंड करेगा कि ये कॉमन है या नहीं एनी anyway, ये हम लोग समझ गए समझ करते हैं पहला ऑथराइज है ऑथराइज हमारे लिए कोई काम का नहीं है केवल इन्फॉर्मेशन है कि आपका प्रेफरेंस शेयर्स इतना है ठीक है और इक्विटी शेयर्स इतना है तो ये हमारे लिए कोई काम का इन्फॉर्मेशन नहीं ऑथराइज वाला नेक्स्ट हमारा है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल तो इशूड सब्सक्राइब कैपिटल में देख सकते हैं कि यहाँ पे 45 फ़ाइव लैक्स का हमारा प्रफें शेयर्स है एंड इक्विटी शेयर्स है 2 करोड़ 88 एट लैक्स का तो ये हमें दोनों लेना है ये दोनों हमें कंसिडर करना है 45 फाइव लैक्स एंड 2 करोड़ 88 एट लैक्स शेयर सस्पेंस अकाउंट नहीं लेना है बिकॉज शेयर सस्पेंस अकाउंट का अलाटमेंट अभी नहीं हुआ है इसलिए इसे कंसिडर नहीं करेंगे नेक्स्ट आ जाएंगे आपका कैपिटल रिजर्व फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड इज रिवोल्यूशन रिजर्व तो फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड रिवेल्यूशन रिजर्व है तो वो हमें नहीं लेना है तो आउट ऑफ फोर एटी फाइव फोर फिफ्टी नहीं लेना है बिकॉज वो वो बेच के एसेस को बेचा नहीं गया है केवल रिवेल्यू किया गया रिवॉल्यूशन करने से क्या हुआ एसेस का वैल्यू बढ़ा तो बोलते हैं ना इसके बदले में कोई कैश इनफ्लो तो हुआ नहीं है तो बोलते हैं ना कि कैपिटल रिजर्व जो हमें वही लेना है जो कि रियलाइज हो जो रियल में हो चुका हो बट यदि हम एसेस का वैल्यू हमारे पास कोई एसेस पड़ा हुआ है वो पहले दस लाख का था अभी पंद्रह लाख का हो गया तो पाँच लाख मेरे जेब में आया थोड़ी वो तो आएगा उस दिन जब वाकई में अपने उस एसेस को सेल आउट कर देंगे तो दैट्स वाई यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड इज रिवल्यूशन रिजर्व तो उसमें से आपका फाइव एटी फाइव में कहानी है ये सारा नहीं लेना है इसमें से आपको लेना कितना है उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो इसमें से आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ आपका 585 एटी फाइव माइनस फोर तो 135 इसमें से आपको लेना वन थ्री फाइव ट्रिपल जीरो लेना है ठीक है ना वन थ्री फाइव ट्रिपल जीरो लेना है तो ये हो गया आपका कि, कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है ठीक है नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम को लेना है तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड सिक्योरिटीज प्रीमियम को लेंगे उसके बाद सिक्योर्ड लोन में डिवेंचर्स लेंगे वन करोड़ नाइन्टी फाइव लैक्स का डिवेंचर्स है पब्लिक डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर वन ईयर को भी लेंगे कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एस शॉर्ट टर्म बोल दिया है इसलिए इसे नहीं लेंगे आप और ऑलमोस्ट यही समझ किए थे केवल फिगर चेंज है ट्रेड पेबल्स नहीं लेना है और एसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस होगा क्योंकि ये फिक्टीस एसेट्स है एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिवेंचर्स तो सिंस ये आपका इन्वेस्टिंग कंपनी नहीं है ये भी माइनस होगा क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं है शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एप्लीकेशन मैंने रिसीड ऑन शेयर अलॉटमेंट विच इज नॉट येट मेड तो अलॉटमेंट पेंडिंग है यानी अभी भी एप्लीकेशन रिसीव कर लिए गए बट उन्हें अभी भी शेयर्स नहीं दिए गए हैं इसलिए उसे नहीं कंसिडर करना है ये एक्सप्लेनेशन है कि शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो यहाँ पर बात मेंशन किया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इफेक्टिव कैपिटल एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल फाइव टू कंपनीज एक्ट टू तो अपने को यहाँ पर इफेक्टिव कैपिटल निकाल कर देना है मैंने येलो से मार्क कर ही दिया है कि इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या आएगा तो करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर कंप्यूटेशन शोइंग इफेक्टिव कैपिटल इंप्लॉयड ठीक है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ये निकाल रहे हैं नेक्स्ट अब आ जाएंगे इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड में लिखना शुरू करते हैं तो पहला आइटम है आपका प्रेफरेंशेस 45 लाख का आप लिख दोगे प्रेफरेंशेस कैपिटल रुपये का सिंबल दे दीजिए फोर्टी फाइव लैक्स लिख दीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल तो लिखेंगे इसके ठीक नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में आप देख सकते हैं अमाउंट है टू करोड़ एटी एट लैक्स पूरा लेना है टू करोड़ एटी एट लैक्स उसके बाद है नेक्स्ट आपका शेयर सस्पेंस अकाउंट नहीं लेना है कैपिटल रिजर्व सिर्फ वन करोड़ सॉरी वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड लेना है तो कैपिटल रिजर्व वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपको यहां पर लेना है सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का so, सो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लीजिए लाख थाउजेंड इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है वो देख लीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद भी है कुछ आइटम और वो है आपका डिवेंचर्स तो फिफ्टीन परसेंट डिवेंचर्स है वन करोड़ 95 फाइव लैक्स का तो आप लेंगे डिवेंचर्स जो परसेंट लिखा हुआ ना वो इंटरेस्ट रेट होता है तो डिवेंचर्स है वन करोड़ 95 फाइव लैक्स वन करोड़ नाइन्टी फाइव लैक्स का डिवेंचर्स हो गया एंड पब्लिक डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर वन ईयर तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंगस हो गया इसलिए लेना है पब्लिक डिपॉजिट इलेवन लैख टेन थाउजेंड पब्लिक डिपॉजिट्स इलेवन लैक टेन थाउजेंड इलेवन लाख टेन थाउजेंड पब्लिक डिपॉजिट के बाद नेक्स्ट जो आपको लेना है वो माइनस करना है ये दो आइटम है एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ये इफिक्ट एसेस भी कहलाता है बट एसेस होता नहीं है इट्स अ लॉस तो इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये भी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है तो शेयर होल्डर्स का जो जो चीज़ बिलोंग करता है यदि उसका कैपिटल उसको बिलोंग करता है रिजर्व सरप्लस बिलोंग करता है तो नेगेटिव यदि सरप्लस है तो वो भी तो उसी को बिलोंग करता है इसलिए अपने वहीं से माइनस करेंगे सरप्लस जैसे ऐड करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस तो ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है इसे माइनस करेंगे फोर्टी फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो आप यहां पर माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस अमाउंट फोर्टी फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड और उसके बाद जो है वो है आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिवेंचर्स तो दो करोड़ पच्चीस लाख का अल्टीमेटली आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिवेंचर्स कर रखा है जो, जो कि आपका बिजनेस नहीं है नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी है तो दो करोड़ पच्चीस लाख आपको क्या करना है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव माइनस करना है तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स आपको माइनस करने टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव लैक्स टोटल हो गया बस अभी यहां पर आपको कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है तो जो रिजल्ट होगा वो कहलाएगा इफेक्टिव इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बस कैलकुलेटर चलाएंगे आ जाएगा आंसर फोर्टी फाइव लैक्स यानी अपने शॉर्टकट में पैंतालीस लिखते हैं जीरो हटा के करते हैं फोर्टी फाइव लैक्स प्लस टू हंड्रेड एटी एट लैक्स प्लस प्लस वन पॉइंट फाइव लैक्स प्लस वन फाइव लैक्स प्लस इलेवन पॉइंट वन लैक्स और उससे माइनस करना है फोर्टी तो फाइव पॉइंट सेवन फाइव लैक्स मतलब पैंतालीस लाख पचहत्तर हज़ार और माइनस करना है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव लैक्स तो रिजल्टिंग फिगर है टू सेवन वन कि दो करोड़ इकहत्तर लाख बीस हजार ठीक है तो ये हो गया आपका अल्टीमेटली इफेक्टिव कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लॉयड अब यदि मैनेजर रेम्योनेरेशन इसी के ऊपर बेस करके आ, दिया जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पाँच करोड़ से नीचे है तो पाँच करोड़ से नीचे होने से आपको पता ही है कि साठ लाख मैक्सिमम रेम्योरेशन एनुअल रेम्योनरेशन हो सकता है उससे कमती हो सकता है बट उसको एक्सीड नहीं कर सकता अदरवाइज दैट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज द वायोलेशन ऑफ रूल्स लॉ तो लॉ का वायोलेशन माना जाएगा और वो उसके लिए पिनालाइज किया जाएगा मैनेजमेंट को तो एनी anyway, वे ये था आपका होमवर्क वाला पार्ट भी डन हो गया अभी हम लोग नया चीज़ जो है वो सीखेंगे वो है कंपनी का फॉर्मेट बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड आपका साथ ही साथ पी का फॉर्मेट बचपन से आप जानते ही हैं ऐसा नहीं है कि नहीं जानते और नहीं जानते तो भी मैं डिटेल्स में ही बता रहा हूँ ये मान कर के आपको नहीं आता है सबसे पहले अपने यहाँ पर बैलेंस शीट के फॉर्मेट का बात करें तो बैलेंस शीट जो है वो शेड्यूल थ्री पार्ट वन के हिसाब से बनाया जाता है और बैलेंस शीट एक पेज में ही खत्म होता है उसका एक्सप्लेनेटरी नोट्स कई पेज में होते हैं यदि कितनी भी बड़ी कंपनी हो कितनी भी बड़ी कंपनी हो उसका बैलेंस शीट उतना बड़ा साइज में आपको नहीं दिखाई देगा कि अच्छा बड़ी कंपनी है तो दस पेज का बैलेंस शीट होगा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक पेज में ही बैलेंस शीट खत्म होगा उसका एक्सप्लेनेटरी नोट्स हो सकता है दो ढाई सौ पन्ने का हो जैसे रिलायंस जैसे कंपनी का यदि आप देखेंगे एनुअल रिपोर्ट तो यू विल फाइंड दैट कि उनका एनुअल रिपोर्ट ढाई ढाई सौ पन्ने का है एक्सप्लेनेटरी नोट्स सौ डेढ़ सौ पेज का होता है वो भी बहुत छोटे से फॉन्ट में बड़ा बड़ा नहीं लिखा हुआ होता है आ, तो दैट्स वाई अपने बोल सकते हैं कि जो बड़ी कंपनी है अल्टीमेटली वो उनका भी बैलेंस सीट एक पेज में ही होता है और बैलेंस शीट जो है वो अपने को आना चाहिए अच्छे तरीके से तो यहां पर हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहां पर बैलेंस शीट लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम होगा यहां पर और किस डेट पर बना रहे हैं एज ऑन या एज एट वो डेट डालना पड़ता है तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी नेम यहां पर आपको कंपनी का नाम डालना है कंपनी नेम और यहां पर आपको डेट डालना है नॉर्मली जो बैलेंस शीट होता है वो कंपैरेटिव होता है कंपैरेटिव होता है ताकि जो यूज़र्स हैं वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सके दैट्स वाई शीट जो कंपनी का बनता है वो कंपेरेटिव बनाया जाता है कम्पेरेटिव बनाने का मतलब कि आपका बैलेंस शीट जो होगा उसके अंदर इन्फॉर्मेशन और डेटा आपका करंट ईयर का होगा करंट फिनेंशियल ईयर का भी होगा और उसके अंदर में इंफॉर्मेशन आपका प्रोसीडिंग फिनंशियल ईयर का भी होगा दैट्स वाई इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है ठीक है ना इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा यह जो होगा आपका इंफॉर्मेशन ये प्रीवियस ईयर का इसमें आएगा करंट ईयर का यहां पर आएगा नोट्स टू अकाउंट्स नंबर यहां पर आएगा और इधर पर्टिकुलर्स होगा इस तरीके से फॉर्मेट बनता है ये और बड़ा बनेगा मतलब कि वर्टिकली लंबा जाएगा तो लास्ट में ये लाइन नहीं भी हो सकता है ठीक है ना मतलब मैं और एक्सटेंड करूँगा ठीक है और अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ इसके ऊपर तो आप देख सकते हो ये बैलेंस शीट बनता है ये फॉर्मेट स्टार्ट हुआ यहाँ पर जो दिया जाता है ये करंट ईयर का फिगर होता है तो यू शुड राइट ईयर करंट ईयर करंट ईयर करंट ईयर यहां पर प्रीवियस ईयर का होता है ठीक है और यहां पर आपका नोट्स टू अकाउंट्स होता है नोट्स टू अकाउंट्स मतलब जो फिगर लाया गया उसका नोट्स नंबर होता है ये तो नोट्स टू नोट्स नंबर और ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया अब आप जब यहां पर देखोगे यू विल फाइंड कि करंट ईयर का डेटा यहाँ पर आपको लिखना है करंट ईयर का जो होगा और प्रीवियस ईयर का डेटा यहाँ पर लिखेंगे इससे क्या होता है कि ईजिली दोनों का संग संग ये अभी आप कॉपी मत करना मैं ऐसे बोल रहा हूँ संग संग दोनों का कंपेरिजन हो जाता है यानी देखने वाले को पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर में ये चीज़ क्या था और अभी क्या है फॉर एग्जाम्पल पिछले साल यदि एसेट्स था सौ करोड़ का अभी दिख रहा है डेढ़ सौ करोड़ का तो आप इजिली बोल पाएंगे ओके कंपनी हैड मेड द एक्विजिशन ऑफ 50 करोड़ ठीक है ना और कंपनी हैज एक्वायर्ड कंपनी हेड एक्वायर्ड 50 करोड़ का एसेट सो दैट काइंड ऑफ कंक्लूजन और एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट अलोंग विद द प्रीवियस डेटा यदि प्रीवियस ईयर डेटा नहीं हो तो कंपेरिजन नहीं हो पाएगा दैट्स वाई बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन रहता ही नहीं है जस्ट फॉर्मेट जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ कर दे रहा हूँ बट जब आप सम्स करोगे एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रीवियस ईयर का डेटा यहाँ पे नहीं दिया जाता है बट फ्रॉम द प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का भी डेटा होगा और करंट ईयर का डेटा तो आपको डालना ही है। तो प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विथ करंट ईयर डेटा यहाँ पर डाला जाता है सो so दैट कि देखने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके दैट इज द रीज़न बिहाइंड राइटिंग करंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर का डेटा नाउ हम लोग तो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स आवर फॉर्मेट की तरफ यदि फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आता है शेयर होल्डर्स फंड ठीक है ना इक्विटी एंड लाइब्रेटीज हेडिंग डाल दिया जाता है और इक्विटी एंड लाइब्रेटिज के अंदर यहाँ पर हेडिंग डलेगा आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इक्विटी एंड लाइब्रेटीज हेडिंग डालकर उसके नीचे लिखा जाता है आपका शेयर होल्डर्स फंड तो इसके नीचे आपका आएगा शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में आपका आएगा क्या तो इसके अंदर में फिर से सवेडिंग हो जाएगा शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल के लिए शेड्यूल बनेगा जिसमें अपने सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं शेयर कैपिटल बनेगा जिसमें आप करंट ईयर का शेयर कैपिटल लिखोगे एंड यदि इन्फॉर्मेशन हो तो प्रीवियस ईयर का भी लिखना है शेयर कैपिटल के लिए शेड्यूल बनाया जाएगा जहां पर यू विल गिव ऑल द इंटायर डिटेल्स रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल कि आपका ऑथराइज कैपिटल कितना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है पेडप कैपिटल कितना है कितना आपने सेयर्स इशू किया है फॉर कैश कंसिडरेशन और कितना शेयर आपने इशू किया है फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन लिखेंगे अपने डिटेल्स में अभी तो मैं आपको बोल के आगे बढ़ रहा हूँ तो शेयर कैपिटल हो गया पहला इसका डिस्क्रिप्शन अलग से डाला जाता है यहाँ पर गंदगी नहीं किया जाता मैंने बताया था कि अभी बताया जस्ट कि कितना भी बड़ा कंपनी हो इट एक पेज में पी एक पेज में वन वन एंड हाफ पेज में ख़त्म यानी कि ये तो दो ढाई पेज में ख़त्म हो जाता है लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बड़ा होता है शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट है आपका सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हैं इसका भी आपको नोट्स पे अकाउंट्स बनेगा और ये आपका हो गया इसके अलावा भी होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स सी नंबर होता है जनरली वो आइटम आपको मिलेगा नहीं मैं जो बैलेंस शीट बना रहा हूँ वो एग्जैक्टली exactly कोई कॉपी नहीं कर रहा हूँ मैं वो आइटम्स बना रहा हूँ कि जनरली जो आपको 99.99 नाइन .99 पॉइंट यानी बुक्स वाइज में जो आता है वो हंड्रेड परसेंट बट कोई ऐसा भी सिनारी जो हम लोग नहीं सोचें वो भी कवर हो जाता है वैसा फॉर्मेट कर रहे हैं बट आ, आ, यहाँ पर अभी मैंने लिख दिया तीसरा नंबर पॉइंट इसके अंदर होता है मनी रिसिव अगेंस्ट शेयर वारंट सो ये होता है थर्ड पॉइंट मनी received अगेंस्ट शेयर warrants मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स ठीक है जनरली इसका शेड्यूल नहीं बनता है जरूरत नहीं होता है और जनरली आइटम्स आपको ये मिलेंगे भी नहीं ये शेयर होल्डर्स फंड में ये तीन आइटम्स आते हैं शेयर वारंट्स भी आपका पॉसिबल शेयर्स होता है यानी कि उसके अंदर में कंपनी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस लिख कर देती है कि कंपनी इन द फ्यूचर डेट इतना शेयर इशू करेगी एट सच एंड सच प्राइस वैसा कोई प्रॉमिस को अपने शेयर वारंट्स कहते हैं एंड उस war, उस प्रॉमिस के अगेंस्ट में द कंपनी हैड रिसीव्ड सम सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन तो वो कंसिडरेशन ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है दैट्स वाई इसे अपने यहाँ पर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स को भी शेयर होल्डर्स का हिस्सा मानते हैं नंबर टू होता है जो आपने सम्स करते वक्त अभी देखा था जो शेयर सस्पेंस दिखा रहा था दैट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलाटमेंट क्या होता है कि बीच का सिनारियो होता है कि कंपनी ने एप्लीकेशन तो रिसीव कर लिया फ्रॉम द शेयर होल्डर्स सॉरी फ्रॉम द एप्लीकेंट बट अभी भी उन्हें अलाटमेंट नहीं किया है सो दैट्स वे दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी मतलब सीधी सी बात है कि कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया और बोला वेट करो भाई साहब हम आपको अलाटमेंट लेटर देंगे अभी दिए नहीं है टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस कम वो वो कंपनी के पास फंड जो है वो यूज़ नहीं कर सकती कंपनी क्योंकि अभी तक स्टेटस है कि वो एप्लीकेंट है नॉट द शेयर होल्डर और एप्लीकेंट्स का रुपया कंपनी एज ए टेम्प्ररी लाइब्रेटीज यूज़ करती है तो यहाँ पर दूसरा नंबर है एप्लीकेशन मनी मिला है बट अलाटमेंट अभी नहीं हुआ है मतलब सीधी सी बात है आप ऐसे सोचो ना स्कूल में मतलब जो नहीं जानते मैं उनके लिए बोल रहा हूँ स्कूल में कभी कभी बच्चे प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन कराते हैं ठीक है ना क्लास टेन का एग्ज़ाम दे दिए बट स्कूल चेंज कर रहे हैं तो क्लास इलेवन में जाकर दूसरे स्कूल में क्लास टेन का रिजल्ट नहीं आया बट इलेवन का एडमिशन करा लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है वो जो प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन होता है वो बेसिकली क्या लॉजिक से होता है कि बच्चा टेन पास कर जाएगा वो और एलेवन में जाएगा ही जाएगा वैसे ही यहाँ पर कंपनी क्या करती है एप्लीकेशन मनी ले लेती है और अलाटमेंट कुछ दिनों के बाद करती है से सेवन एट डेज के बाद सो तो वो सेवन एट डेज़ का जो पीरियड होता है ना उस समय ये यदि बैलेंस शीट बीच में बन गया तो ये पॉइंट नंबर टू आएगा यानी कि रुपए कंपनी को मिल गया बट कंपनी ने अभी तक शेयर्स उन्हें दिया नहीं है तो उसे अपने कहते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलाटमेंट सो तो नंबर टू होगा आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट पेंडिंग अलॉटमेंट ठीक है मैंने बोला ये कंटिन्यू होगा इसका मतलब इसके नीचे आप और जाएंगे ठीक है, इसके नीचे होगा नंबर थ्री नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ नंबर थ्री नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बेसिकली चार हेड होते हैं मतलब वो बेसिकली आपको थ्योरेटिकली क्लियर होना चाहिए कि अंदर अंडर नॉन करंट लाइब्रिटीज़ आएगा क्या बोलते हैं अंडर नॉन करंट लाइब्रिटीज़ वही आएगा जो अल्टीमेटली क्या हो आपका बोलते हैं कि जो दैट इज़ नॉट पेबल विद इन वन ईयर यदि विद इन वन ईयर हमें देना पड़ा विद इन वन ईयर हम लाइबल हैं देने के लिए तो उस केस में तो वो नॉन करंट हो नहीं सकता ना फॉर एग्ज़ाम्पल यदि डिवेंचर्स मुझे विद इन अ ईयर देना है तो उस केस में वो डिवेंचर्स आपका अल्टीमेटली किस कैटेगरीज में चला जाएगा तो बोलते हैं उस केस में वो डिवेंचर्स मेरा करेंट लाइब्रेटिज कैटेगरीज में चला जाएगा इफ डिवेंचर्स आर रिडीमेबल विद इन वन ईयर तो बोलते हैं उस केस में वो डिवेंचर्स जो है वो आपका करंट लाइब्रेटिज हो जाएगा तो ऐसा कोई कसम खा के मत बैठिए कि डिवेंचर्स तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता है होता है बट यदि उसका ये लास्ट ईयर है एंड इफ दैट इज़ रिडीमेबल विद इन ट्वेल्व मंथ्स जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा है उस दिन से यदि हम काउंट करें तो विद इन मतलब क्या बोलेंगे विद इन वन ईयर वो रिडीम होगा सो इन दैट केस वही डिवेंचर्स आपका करंट लाइब्रेटीज बन जाएगा तो वैसा हर लाइब्रेटीज के साथ यही चीज होगा कि यदि विद इन अ ईयर हमें पे करना है तो उस केस में उसे हम लोग करंट लाइब्रेटीज बोलेंगे तो यहाँ पे नॉन करंट लाइब्रेटीज में क्या आएगा पहला आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरइंग्स तो यू विल राइट हिर लॉन्ग टर्म बोरइंग्स ये फर्स्ट केस हो गया आपका लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में आपका डिवेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट लोन फ्रॉम बैंक कोई भी तरह का जो विदिन शॉर्ट टर्म नहीं पे करना है वो यहां पर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में इसका शेड्यूल बनाएंगे आप शेड्यूल बना के करंट ईयर का जो डिटेल्स है कि कौन कौन सा है यहाँ पर फाइनल फिगर आएगा चाहे आपके 10 सोर्स हो सकते हैं लोन लेने के बट यहाँ पर फाइनल फिगर आएगा बट उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन कहाँ होगा तो नोट्स टू अकाउंट्स में होगा अलग से उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर डालेंगे और वहाँ पर उसका एक्सप्लानशन होने वाला है तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंगस नंबर बी हम लोग बात करेंगे तो नंबर बी में आपका क्या आएगा तो इसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ डीटीएल तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ नेट नेट बोलने का मतलब है कि जो फाइनल फिगर है एडजस्ट करके रिसीवेबल और पेबल मिलाकर यदि पेबल ज्यादा है तब डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़ आपको यहां पर आएगा जिसका डिटेल्स में आप अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करेंगे भी तो डेफर टैक्स लाइबिलिटीज बेसिकली क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए तो जैसे कि आप समझो एक हमारे हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो कंपनीज़ एक्ट के प्रोविज़न को फॉलो करके बनाते हैं यानी कंपनीज़ एक्ट 2013 के रूल्स को प्रोविज़न को फॉलो करके अपने अकाउंटिंग करते हैं और इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 के हिसाब से है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की के प्रोविज़न के हिसाब से वो हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है तो यानी इनकम टैक्स कुछ कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती है और कम इन जो कंपनीज एक्ट है वो कुछ कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अब डिफरेंस के रीज़न देख लीजिए जैसे कि डेप्रीशन जो होता है वो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 के अकॉर्डिंगली होता है और जब कंपनीज एक्ट में डेप्रीशियेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल टू होता है तो दोनों के आप देखेंगे प्रोविजन जो है अलग अलग है वहां पर आपका डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने का जो रूल्स है और जो यहाँ पर डेप्रीशन कैलकुलेट करने का रूल्स है वो डिफर करता है यहाँ पर वहाँ पर आपका मोट मोर और लेस फ्लैट रेट चलता है इनकम टैक्स में जबकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखेंगे तो शिफ्ट के बेसिस पर डप्रिशिएशन होता है कि एसेट्स जैसे कि मान लेते हैं कोई कोई फैक्ट्री 24 फोर आवर्स चलती है जैसे कि जहाँ पर ब्लास्ट फर्नेंस होता है जहाँ पर जैसे स्टील जहाँ पर बनाया जाता है लोहे को गला कर, जो डिफरेंट सेप दिए जाते हैं वो ब्लास्ट फर्नेंस बोलते हैं उसे तो ब्लास्ट फर्नेंस का जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं है कि वो बंद कर दिया जाता है जो वो एक चिमनी की तरह होता है आप बोल सकते हैं जो फाइनेंस होता है वो बंद नहीं किया जाता 24 ट्वेंटी फोर आवर्स उसमें काम होते हैं लेबर तीन शिफ्ट में काम करते हैं तो ऑबेस है की जो कंपनीज एक्ट है वो शिफ्ट के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है तो अपने बोल सकते हैं कि इनका अपना फंडा है अपना लॉजिक uh, है चीजों को कैलकुलेट करने के लिए और वही इनकम टैक्स एक्ट उसे मानने को तैयार नहीं होता है तो इनकम टैक्स एक्ट में और कंपनीज एक्ट में इसके कारण क्या होता है डिफरेंस राइज होता है और दोनों में कंफ्लिक्ट होने के कारण प्रॉफिट और लॉस डिफर कर जाते हैं जब दोनों के प्रॉफिट और अलग आते हैं तो उस केस में हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है बाई एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और हमें अकाउंट्स प्रेजेंट करना पड़ता है बाई फॉलोइंग प्रोविज ऑफ द कंपनीज एक्ट तो दोनों की बात है भाई आप अपने बुक्स में लिखोगे तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिखोगे और जब टैक्स का पेमेंट करोगे तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पेमेंट करोगे तो दोनों में तो डिफरेंस आया ना तो बोलते हैं जो दोनों में डिफरेंस आया इसके कारण हो सकता है कि या तो मेरा लाइबिलिटीज हो गया या तो मेरा एसेट हो गया मैं यदि इनकम टैक्स ज्यादा दे दिया तो वो एसेट है तो मैं उसे डेफर टैक्स एसेस दिखाऊंगा और यदि मैंने इनकम टैक्स कमती दिया जितना मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से आना चाहिए तो वो मेरा लाइब्रिटीज होगा एग्जाम्पल समझो इनकम टैक्स वाले ने मेरे से सौ करोड़ मांगा कंपनीज एक्ट बोल रहा है एक सौ बीस करोड़ दो वो एक सौ मांग रहा है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करके एक सौ बीस आ रहा है तो मैं कितना दूंगा सोचो जरा सा आंसर आ गया आंसर ये है कि सौ ही देंगे जब अगला सौ मांग रहा है तो एक क्यों दिखाएंगे एक क्यों देंगे बट कंपनी बोलता है बीस देना था तो ट्वेंटी अभी और देना बाकी है तो डीटीएल बोल के आएगा तो डेफर टैक्स लाइबिलिटीज आएगा सिचुएशन को रिवर्स करो इनकम टैक्स एक्ट मांग रहा है सौ इनकम टैक्स एक्ट मांग रहा है सौ और हमने सौ के बदले में और कंपनीज एक्ट बोल रहा है नहीं नहीं एक सौ पांच दो वन जीरो करोड़ देना पड़ेगा तो हम तो अगला को सौ ही देंगे नहीं नहीं उल्टा इनकम टैक्स एक्ट हमसे मांग रहा है 125 करोड़ कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 105 करोड़ देना है ये बोल रहा है 105 करोड़ अगला मांग रहा है 125 करोड़ मैं 125 दे दूंगा कंपनीज एक्ट ने कहा ज्यादा क्यों दिया आपको तो मैंने बोला 105 करोड़ देने के लिए तो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है हाउ मच लग 20 करोड़ एक्स्ट्रा तो दैट 20 करोड़ शुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट एसेट तो ये अपने जो एक्स्ट्रा दे देंगे और इसके ऊपर डिटेल्स में पढ़ेंगे अलग से एस है तो अभी हम लोग केवल इतना ही समझ रहे हैं कि हमने ज्यादा दे दिया कंपनीज एक्ट के के कहे हुआ कहे के अनुसार वो जिस जितना बोला था उससे ज्यादा दे दिया तो एसेट्स मानो वो जितना बोला कंपनीज एक्ट ने उससे हमने कमी दिया तो उसे लाइब्रेटीज मानो तो एसेट होगा या लाइब्रेटीज होगा ये डिपेंड करेगा कि कंपनी बोलता है और इनकम टैक्स कितना मांग रहा है उसके ऊपर है है दोनों के के गैप कारण होता है। तो डेफर डेफर टैक्स टैक्स एसेट्स या तभी एराइज होता है जब दोनों के बीच में डिफरेंस एराइज होता है किस किस के कंपनीज एक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन दोनों के प्रोविजन में डिफरेंस होने के कारण ये सिचुएशन अराइज़ होता है तो ये था नंबर थ्री में आपका उसके बाद आपका क्या है तो नंबर थ्री में ही आएगा आपका नंबर सी लॉन्ग टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे इंप्लाइज को वर्कमैन कंपेंसेशन लीव सैलरी इनकेशमेंट पेंशन स्कीम तो कंपनीज में जो लोग काम करते हैं उनके लिए यदि कंपनी क्या कर रही है कुछ प्रोविज़न बना रही है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न विल बी शोन एज नॉन करंट लाइब्रेटीज उसे नॉन करंट लाइब्रेटीज बोलकर अपने शो करेंगे एंड आपका डी में हो जाएगा अदर नॉन करंट अदर नॉन करेंट लाइब्रेटीज जो किसी स्पेसिफिकड में नहीं आया ए में से उसे आप अलग सेपरेट हेड में अदर नॉन करेंट लाइब्रेरीज uh, में दिखाएंगे बेसिकली बाकी ए बी सी के अंदर में मोरलेस जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है सारे कवर हो जाते हैं और जो डी पॉइंट बचा उसके अंदर में उस पॉइंट को लेते हैं जो जनरली ए बी सी में कवर नहीं हुआ तो अदर नॉन करेंट लाइब्रेरीज आप बोल के यहाँ पे दिखाएंगे ये हो गया आपका लाइब्रेरी साइड का तीसरा हेड फोर्थ हेड होगा आपका लाइब्रेरी साइड में करंट लाइब्रेटीज करंट लाइब्रेटिस करेंट लाइब्रेटीज में सब हेड है फिर से तो पहला हेडिंग होगा इसके अंदर में शॉर्ट टर्म बोरइंग्स क्या होगा शॉर्ट टर्म बोरइंग्स शॉर्ट टर्म बोरइंग्स में वो आएगा कि लाइब्रेटीज है बट दैट इज केबल विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो वो शॉर्ट टर्म बोरइंग्स के अंदर में आ जाता है तो शॉर्ट टर्म बोरइंग्स शॉर्ट टर्म बोरइंग्स में आएगा द लाइबिटीज और द लोन और द एडवांसेस विच आर पेबल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यानी कि लेस देन ट्वेल्व मंथ्स के अंदर अंदर जो हमें देना है वो आपका शॉर्ट टर्म बोरइंग्स के अंदर आएगा तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया नंबर टू हो गया आपका अब नंबर बी ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर आता है सी नंबर ट्रेड पेबल्स के बाद आपका इसके अंदर में आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब हो गया जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वो आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेड के अंदर में आप इस तरह का दिखाएंगे वो प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर रिपेयर एक्सपेंसिस है या कोई भी आपने प्रोविजन बनाया तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर में आएगा ठीक है और अदर करंट लाइब्रिटीज अदर करंट लाइब्रिटीज तो ये आपका करंट लाइब्रिटी यानी कि लाइब्रिटी साइड इज ओवर अल्टीमेटली लाइब्रेटी साइड ओवर हो गया आपका और यहाँ पर अपने अब अप क्या करेंगे इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं लाइब्रेटी साइड इज ओवर तो अपने ये जो देख रहे हैं बैलेंस शीट का लाइब्रटी साइड को टोटल कर देंगे यहीं पर और नेक्स्ट अपना जो होगा एसेट्स आ जाएगा तो लेबरेटरी साइड ओवर हो चुका है तो यहाँ पर आप टोटल कर दीजिए और ये टोटल के बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे एसेट्स का तो आपका एसेट्स है बेसिकली एसेट्स के अंदर में दो हेडिंग हो जाता है तो पहला आप एसेट्स हेडिंग डाल दीजिए एसेट्स लिखने के बाद फर्स्ट हेडिंग इसके अंदर में आएगा नॉन करेंट एसेट्स नॉन करेंट में आपका क्या आने वाला है उसकी बात करते हैं तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में आपका वो एसेट्स जो कि बेसिकली कंपनी होल्ड कर रही है विथ इंटेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन ट्वेल्व मंथ्स के लिए वो यहाँ पर आने वाली है पहला आइटम इसके अंदर जो आता है वो है आपका फर्स्ट आइटम इज़ वॉट फर्स्ट आइटम इज़ आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE इसके लिए अलग से अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन पीपीई के लिए जो कि पहले आप यहां पर बोलते थे फिक्स एसेट्स या आप बोलते थे यहां पर एसेट्स फिक्स एसेट्स बोलकर होता था तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बेसिकली चेंजेस हो गया और ये अभी आपका इस नाम से हम लोग इसे शो करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में चार पार्ट होगा ठीक है ना क्या क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में वो अपने बात करते हैं अभी सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नॉर्मली इंस्टीट्यूट का मैट देखेंगे तो उसमें या मैंने मेरा भी जो मैट बना हुआ उसके अंदर में भी आपको ये चार हेड दिखाई देंगे टेंजिबल इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एट डेवलपमेंट ये सही नहीं है क्यों मैं आपको बताऊं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन के अंदर डेफिनेशन दिया गया है और पीपीई में सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल आसेस को ही कंसीडर किया गया है इन को कंसिडर नहीं कर सकते यानी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है और सिर्फ ये सही है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि टेंजिबल आसेस अंडर डेवलपमेंट जो होता है मतलब कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ फिनिश्ड नहीं हुआ है बट वो अभी कंस्ट्रक्शन के फेज़ में है तो उसे अपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं तो सिर्फ दो ही आना चाहिए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फॉर्मेट है वो आपका आ, मतलब चेंज होगा तो ये पुराना फॉर्मेट है इसलिए अपने यहाँ पर पी पी प्लांट प्रोपर्टी प्लांटेड ही रख रहे हैं इसके अंदर में वो चार पार्ट नहीं कर रहे हैं इन टेंजिबल को अपने अलग से डिवाइड करेंगे और इनटेंजिबल एसेट जो होगा वो बी नंबर पार्ट हो जाएगा इनटेंजिबल एसेट्स इनटेंजिबल एसेट तो ये आपका नॉर्मली इसके लिए शेड्यूल भी बनता है शेड्यूल वर्किंग नोट नंबर जो आएगा वो आपको देना है कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पर कि इसका फोर नंबर ही होगा और फाइव नंबर ही होगा इस तरह का ऐस कोई भी फॉर्मेट फिक्स नहीं किया गया कि शेड्यूल नंबर वर्किंग नोट नंबर कोई यही देना है ऐसा कुछ भी नहीं है नंबर इस नॉन करेंट एसेस के अंदर में नेक्स्ट हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है ना उसे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो सी नंबर आप लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया आपका नंबर थ्री नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर द पीरियड एक्सीडिंग ट्वेल्व मंथ्स दैट विल बी टेकन अंडर पॉइंट नंबर सी फिर डी में आ जाएगा आपका डी टी ए डेफर्ड टैक्स एसेट्स डेफर्ड टैक्स एसेट्स इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि दोनों में से कोई एक ही आएगा या तो डी टी एल होगा या तो डी टी ए होगा डी टी एल आपने देखा था टैक्स लाइब्रिटीज़ या तो डी टी ए दोनों एक साथ नहीं होता है ठीक है ये हो गए आपके फोर्थ नंबर आइटम्स नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो एसेस साइड में आता है वो है टैक्स एसेस के बाद आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ठीक है सो कंपनी क्या करती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इंप्लाई को एडवांस भी दे देती है वो उस हिसाब से उसे बाद में धीरे धीरे एडजस्ट भी करती है तो यदि यदि कुछ ऐसा है कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है तो उसे अपने यहां पर लिखना है तो ई e नंबर हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ठीक है इसके बाद आपका हेडिंग होता है ई e के बाद एफ है अदर नॉन करंट एसेट्स अदर नॉन करेंट एसेट्स में कोई भी जो एसेट्स जो किसी हेड में नहीं आ पाया किसी स्पेसिफिक हेड में जिसका जगह नहीं है दैट विल बी शोन एज ए अदर नॉन करेंट एसेट्स तो अदर नॉन करेंट एसेट्स हेडिंग डाल के आप लिख दोगे अदर नॉन करंट एसेट्स अदर नॉन करंट एसेट्स तो अदर नॉन करेंट एसेट्स में आपका यहाँ पर जो भी है लाइक फैक्ट्रीस एसेट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज नॉट रिटर्न ऑफ हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज वो यहाँ पर आता है अपने सम जब धीरे आगे करेंगे तो उसमें ये चीज़ कवर होगा अभी तो फिलहाल केवल फॉर्मर डिस्कस हो रहा है आप देख रहे हो उसी में टाइम जा रहा है तो ये हो गया नंबर वन नॉन करेंट एसेट्स एंड नंबर टू हेडिंग डालेंगे अपने करंट एसेट्स नंबर टू हेडिंग होगा करेंट एसेट्स तो करंट आसेस हेडिंग डाल दीजिए इसके अंदर में भी अपने को सब हेडिंग डालना पड़ेगा सो so पहला लिखेंगे फर्स्ट आइटम जो है आपका करंट आसेस के अंदर में वो है आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जैसे हुआ था तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो पहला आइटम होगा आपका करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट फॉर द पीरियड लेस देन टवेल्व मंथ्स करेंट ईयर प्रीवियस ईयर नेक्स्ट आएगा आपका इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज के अंदर में आपका जानते ही हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के अकॉर्डिंगली जो इन्वेंट्रीज को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया गया वो यहाँ पर आएगा जैसे कि आपका इन्वेंट्रीज में हो गया फिक्स फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल्स ये सारे तो इन्वेंट्रीज का डिटेल्स तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स में होगा यहां पर आपका फाइनल फिगर शो किया जाएगा देन नंबर सी है इन्वेंट्रीज के बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स करेंट ईयर प्रीवियस ईयर देन नेक्स्ट हो जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद नेक्स्ट नंबर अपने लिखते हैं लोन्स एंड एडवांसेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आता है उसके बाद आता है लोन्स एंड एडवांसेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जिसे हम लोग डिटेल्स में अगले चैप्टर्स में करेंगे अगले चैप्टर जो कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा वहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है ठीक है और ई e नंबर Short term loans and advances, short term loans and advances, and F other current assets, other current assets. बैलेंस शीट में ये एसेट साइड ओवर हो गया अल्टीमेटली साइड वंस गेट्स ओवर तो आपको यहाँ पर क्या करना है नेक्स्ट बोलते हैं नेक्स्ट अपने यहाँ पर कंटीजेंट लाइब्रेटिस भी दिखाया जाता है एज अ फुट नोट टू द बैलेंस शीट तो फुट नोट में आप यहाँ पर कंटीजेंट लाइब्रेटिस लिखोगे तो यहाँ पर आपका आएगा कंटीनजेंट लाइब्रेटिस कंटिनियन लाइब्रेटीज क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी नाइन में इसका जिक्र है कंटीजन लाइब्रेटीज बेसिकली जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है मीन्स लाइब्रेटीज अभी सर्टेन नहीं है होगा कि नहीं होगा तो इट्स अ पॉसिबल लाइब्रेटीज एंड जिसके लिए जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है कि देर विल बी द इकोनॉमिक आउटफ्लो ठीक है ना तो जब ये कोई सर्टेनिटी नहीं है दैट कैन नॉट दैट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड तो उसे अपने कंटीनजेंसीज कहते हैं कंटीजेंट लाइब्रेट कहते हैं और दैट इज़ टू बी शोन एज ए डिसक्लोजर बुक्स में दिखाना पड़ता है ताकि इस फिनंशियल स्टेटमेंट को देखने वाले को ये समझ में आ जाए कि अल्टीमेटली इतना कंपनी के ऊपर ये भी लाइब्रेटिज आ सकता है तो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू हैव ट्रू एंड फेयर व्यू कंटीजेंट लाइब्रेटिज़ को भी यहाँ पर शो किया जाता है देख लीजिए ये आपका फाइनली बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया ये आपका बैलेंस शीट एक पेज का ऑलमोस्ट होता है और इसमें आपको हर सम्स में लगभग बनाना है इतना बार बनाना है कि आपको याद हो जाएगा ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली इसको बैठ के रट्टा मारने की ज़रूरत है नो नीड टू लर्न इट बिकॉज आपके प्रैक्टिस से ये आएगा बट हर बार बनाना है ठीक है ना और एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है लाइक like यहाँ पे जो है इसका एक्सप्लेनेटरी नोट्स के ऊपर आ जाए हम लोग तो पहला जैसे आपको दिखाई दे रहा है शेयर कैपिटल है तो पहला नंबर जैसे शेयर कैपिटल का एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्या जाएगा उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप शेयर कैपिटल का एक्सप्लेनेटरी नोट्स कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ता है आप यहाँ पे नोट नंबर दे देंगे और हेडिंग डाल देंगे शेयर कैपिटल और इसके अंदर में आपको फिर डिटेल्स डालना पड़ता है कि शेयर कैपिटल का डिटेल्स क्या है जैसे कि शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपका क्या आने वाला है उसकी बात करते हैं तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपका ऑथराइज कैपिटल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो यहाँ पर जो फिगर यहाँ पर हमें शो करना है ना दिस फिगर अपने बात कर रहे हैं कि जो अपने यहाँ पर शो करने वाले हैं ये वाला करंट ईयर का इसका वर्किंग्स हम लोग करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपका अल्टीमेटली ये अमाउंट कैसे आया तो दैट्स वाई आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा है शेयर कैपिटल उसके भी उसके लिए आपको एक्सप्लानीटरी नोट्स लाना पड़ता है उसके अंदर क्या क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं लिख लेते हैं क्योंकि हर सम्स में बनाना है आप आलस नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम तो ये ऐसी कर ही लेंगे एग्जाम में ऐसा होता नहीं है कर ही लेंगे नहीं प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट तो दैट्स वाई आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इसके अंदर में सबसे पहले आप ऑथोराइज कैपिटल लिख दोगे ऑथोराइज कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है दैट इज रजिस्टर्ड विद ओ सी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ जो अपने रजिस्ट्रेशन लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप्स ऑफ शेयर्स आपने इशू करना है अपने मेंबर्स के बीच में उसका रजिस्ट्रेशन पहले आपको उठाना पड़ता है और लेना पड़ता है विद द एम सी ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और उसके बाद ही आप मेंबर्स में इशू कर पाते हैं इसीलिए उसका डिस्क्रिप्शन जो आपने रजिस्टर करवा रखा है वो आपको यहाँ पर देना पड़ता है सो यहाँ पर आप लिखेंगे यहां पर आप लिखेंगे नंबर वन मान लो इक्विटी है तो इक्विटी कितना इक्विटी है वो डिटेल्स डालना पड़ता है इक्विटी शेयर्स कितने रुपए का शेयर है एक उसका भी डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है ठीक है ना और टोटल अमाउंट यहां करना पड़ता है सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के शेयर्स होते हैं ठीक है आजकल तो इक्विटी में भी टाइप्स ऑफ शेयर्स मिलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं तो उसमें भी आपको अलग अलग कैटेगरीज कर करना पड़ेगा यहाँ पर आपका प्रेफरेंस शेयर्स है तो यू विल राइट प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीस जितने का प्रेफरेंस शेयर्स है वो आपको लिखना है यहाँ पर और उसका अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिख देना है फाइनली ये आपका आउटर कॉलम जो है वो टोटल कर दिया जाएगा ये हो गया टोटल दिस इज डन तो इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इ शूड सब्सक्राइब्ड इन पेड अप कैपिटल तो नेक्स्ट हेडिंग फिर से इसी के अंदर में चल रहा है शेयर कैपिटल के अंदर ही चल रहा है ई शूड सब्सक्राइब्ड इन पेड अप कैपिटल इ शूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल इ शूड सब्सक्राइब इन पेड ऑफ कैपिटल इशूड सब्सक्राइब इन पेटे कैपिटल के अंदर आपको इसी के अंदर में लिखना है क्या जितना शेयर्स आपने इशू किया है अब शेयर इशू अपने कैश लेके कर सकते हैं और शेयर अपने इशू कर सकते हैं अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ सम एसेट जैसे आप कि आप देखें होंगे टाटा नैनो का केस में कंपनी जब यहां से लैंड एक्विजिशन की थी तो बदले में कंपनी ने शेयर इशू किए थे इशू करने की बात थी और इशू किए भी हैं अब वो कंपनी बंद हो गई तो डेफिनेटली उसके बदले में कैश कंसिडरेशन दिया गया होगा डेफिनेटली उसके लिए अलग से प्रोविजन क्लॉज रहा होगा तो इशूड सब्सक्राइब एंड पेड कैपिटल में आपको ये ब्रेकअप देना पड़ता है कि आपने कैश लेकर कितना शेयर इशू किया और कितना शेयर आपने बिना कैश लिए इशू किया कैश कंसिडरेशन नॉन कैश कंसिडरेशन कितना है तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कितना शेयर्स है एट द रेट ऑफ रेट मेंशन करना पड़ता है कि कितना रेट वाला शेयर है उसके बाद इसमें से आपको लेस करना पड़ता है कॉल इन एरियस यदि कलेक्ट नहीं हुआ है आउटस्टैंडिंग रह गया तो वो आपको डिडक्ट कर देना पड़ेगा एंड देन आपको आउटर कॉलम में लिखने यू हैव टू पुट द आइटम इन द आउटर कॉलम ठीक है ना तो ये हो गया आपका शेयर्स कितना है कॉल इन एरियस माइनस कर दिए माइनस करके जो अमाउंट आया दैट हैड बिन केप्ट इन द आउटर कॉलम सो नेक्स्ट अपने जब बात करें तो ये हो गया आपका इशूड सब्सक्राइब इन पेडव कैपिटल इसके अंदर यदि आपने शेयर्स फॉर नॉन कंसिडरेशन नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए इशू किया तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि इतना शेयर्स ईशूड For non cash consideration, या कंपनी कभी कभी बोनस इशू करती है उसमें भी कैश नहीं आता है तो उस केस में भी आपको मैंशन करना पड़ेगा कि एज बोनस शेयर ठीक है एज बोनस शेयर इसके बाद इसे यहाँ पर क्या करते हैं अपने टोटल कर देते हैं और यही टोटल अपने ऊपर शो किए ये आपका शेयर कैपिटल का जो फॉर्मेट होगा एक्सप्लेनेशन होगा वो इस तरीके से आएगा ये हो गया शेयर कैपिटल का बेसिकली नंबर टू जो रहता है जनरली जो जो एक्सप्लेनेशन हर सम्स में आपका आएगा मैं उसको ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ उसी को करा रहा हूँ तो नंबर टू रहने वाला है आपका रिजर्व इन सरप्लस यानी कि सरप्लस सरप्लस के अंदर में अपने दिखाएंगे जो जनरली सरप्लस के अंदर आइटम्स आते हैं वो अब सरप्लस के अंदर नॉर्मली क्या क्या आइटम्स आता है उसकी बात कर लेते हैं तो सरप्लस के अंदर में नॉर्मली आपका जनरल रिजर्व आ जाता है जनरल रिजर्व और क्या आता है तो बोलते हैं जनरल रिज़र्व के अलावा यहाँ पर आपका और क्या आ जाएगा तो बोलते हैं जनरल रिज़र्व के अलावा यहाँ पर आपका पीएनएल का बैलेंस हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा तो यहाँ पे कैसे लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो तो ऐसे ही रहने देना नेगेटिव हो तो ब्रैकेट के अंदर डालना एंड प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर आप इसमें ऐड कर सकते हैं कभी कभी ये चीज़ पी में भी दिखा दिया जाता है तो फाइनल फिगर जो आएगा वही आपको यहाँ पर दिखाना होता है तो जनरल रिजर्व हो गया पी हो गया कोई तरह का स्टैटूटरी रिजर्व होता है स्टैटूटरी रिजर्व मतलब लीगल रिजर्व दैट कंपनी नीड टू बी मेंटेन सो उस तरह का रिजर्व भी है तो वो भी इसी हेड में आएगा लाइक like उसके एग्जाम्पल है मैं पहले तो स्टैटूटरी रिजर्व नाम दे दे रहा हूँ स्टैटूटरी का मतलब हो गया लीगल रिजर्व एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व के अंदर में आपका जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व फॉरेन प्रॉफिट रिजर्व इस तरह का आपका मिलेगा ठीक है ना तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जैसे और भी आएगा मैं यहाँ पे कोई डिटेल्स मैं और कोई डिटेल्स यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ स्टैट्यूटरी रिजर्व में यहाँ पर मैं सिंपल हेडिंग डाल के आउटर कॉलम में अमाउंट पुट कर दिया यदि रहेगा तो आप धीरे धीरे आपको बहुत सारे चैप्टर में ये सब चीज़ करने हैं अभी हम लोग ब्रॉड ब्रॉड हेडिंग की बात कर रहे हैं डिटेल्स में और अपने जाएंगे जैसे सम्स जाएंगे सम्स करेंगे और अगले चैप्टर इसमें बढ़ेंगे तो आपको ये सब मिलना ही है ठीक है और ये टोटल हो जाएगा यदि पी एन एल का मैंने पहले बोला कि नेगेटिव बैलेंस हो तो ब्रैकेट में कर देना अलग से पहले क्या होता था कि पी एन एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस है तो उसे बैलेंसड के एसेट साइड में हम लोग मिसलिनियस एक्सपेंडिचर हेड में दिखाते थे उसके बाद ये शेड्यूल सिक्स था उस समय उसके बाद चेंज हुआ चेंज होने के बाद उसे अदर नॉन करेंट एसेट्स हेड में दिखाना शुरू कर दिए तब इसके बाद एक्सप्लेनेशन आता गया और उसमें सुधार करेक्शंस किए गए करेक्शंस करके आज के डेट में अपने स्टेटोटरी मतलब क्या होता है पीएल का नेगेटिव बैलेंस भी है तो यहीं आएगा तो पी एल नेगेटिव बैलेंस शूट ऑल्सो भी टेकन अंडर द हेड सरप्लस एज ए नेगेटिव आइटम तो क्या होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है यदि मान लो कि आपका सरप्लस जो है यानी प्रॉफिट नेगेटिव है और वो इतना बड़ा है तो ये नेगेटिव भी पॉसिबल है कि आपका ओवरऑल सरप्लस जो है वो नेगेटिव आ जाए ठीक है नंबर थ्री शेड्यूल में आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंगस मान लो वो आता है तो तीसरा नंबर शेड्यूल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बनेगा तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर में बेसिकली क्या आने वाला है तो अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आप जो आ, जो भी बोरिंग्स आपने किया है एंड विच इज़ नॉट ड्यू विद इन द ट्व मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट तो इसलिए वो सारे आइटम्स जो कि ट्वेल्व मंथ्स के बियॉन्ड ड्यू होंगे वो यहाँ पर आएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके डिवेंचर्स आएंगे बट ऑलवेज ये लर्न मत कर लो कि डिवेंचर्स आता ही आता है डिवेंचर्स आप लिख सकते हैं नॉट मैच्योरिंग विद इन ट्वेल्व मंथ्स वो आएगा नॉट मैच्योरिंग विद इन ट्वेल्व मंथ्स सभी नहीं आएंगे वो आएंगे जो ट्वेल्व मंथ्स के अंदर में मेच्योर नहीं हो रहा है तो डिवेंचर्स नॉट मेच्योरिंग विद इन ट्वेल्व मंथ्स वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म बोरइंग्स में और पब्लिक डिपॉजिट होगा वो भी सेम लॉजिक पब्लिक डिपॉजिट इसके लिए भी वही है इसका जो टेन्योर होना चाहिए ग्रेटर देन ट्वेल्व मंथ्स होना चाहिए विद इन ट्वेल्व मंथ्स होगा तो उस केस में वो शॉर्ट टर्म बोरइंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है लॉन्ग टर्म बोरइंग्स में आपका बैंक लोन भी आ सकता है लॉजिक सेम नॉट पेबल विद इन ट्वेल्व मंथस तो आपको इसका ध्यान रखना है सम्स जैसे मिलेगा वहाँ पर आपका अपने मेरा इतना डिस्कस किया हुआ है अपने आप याद रह जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से होता है तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरइंग्स उसके बाद आपका जो जनरली रहता है उसकी बात कर रहा हूँ तो जनरली आपको यहाँ पर मिलेगा डेफर टैक्स लाइब्रिटीज़ नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मिलेगा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न अदर नॉन करेंट लाइब्रेटरीज़ में ये सब नहीं आता है अब आ जाएंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ट्रेड पेबल्स आपको मिलने वाला है तो ट्रेड पेबल्स में दो ही आइटम्स आता है तो फोर्थ नंबर वर्किंग जो करेंगे वो आप करेंगे क्या चीज़ के लिए तो फोर्थ नंबर वर्किंग हो जाएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड पेबल्स तो नंबर फोर होगा आपका ट्रेड पेबल्स और ट्रेड पेबल्स में आपका क्या क्या आने वाला है तो सन्डे क्रेडिटर्स आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और क्या आ जाएगा तो ट्रेड पेबल्स में आपका संडे क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल भी इसी हेड में आता है तो जनरली ये दो ही आइटम इसके अंदर आते हैं विच आर बेसिकली अराइजिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ सभी क्रेडिटर्स नहीं आते हैं ओनली द क्रेडिटर्स विच आर ड्यू मतलब कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं यानी कोई चीज़ बिजनेस में जो हम ऑपरेटिंग गुड्स खरीद रहे हैं गुड्स खरीद रहे हैं उसके लिए जब मेरा आउटस्टैंडिंग होता है तो वो ट्रेड क्रेटर्स में आएगा यदि आप किसी और रीजन के कारण क्रेटर्स बनता है तो दैट विल नॉट कम हेयर उसे यहाँ पर नहीं लेंगे अपने नेक्स्ट अपने ट्रेड पेपर्स के बाद लैब्रेटरी साइड में जनरली ये आइटम्स हो गया ऐसे साइड में आ जाएंगे तो पी पी आने वाला है तो पी पी कैसे दिखाते हैं वो आप देख लीजिए पी पी बेसिकली इसमें बहुत कहानी रहता है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मान लो ये शेड्यूल बना रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जनरली क्या आ जाता है तो बोलते हैं इस हेड के अंदर में जनरली जो आपको आएगा जो टेंजिबल होना चाहिए और अपने बिजनेस के आ, या तो हमने उसे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ करना है या सर्विसेज रेंडर करने के लिए उसे यूज़ करना है और दैट इज़ नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड यानी कि दैट हैज़ बीन दैट हैड बीन हेल्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग ट्वेल्व मंथ्स तो ही इस कैटेगरीज में आएगा अदरवाइज़ इसके अंदर नहीं आएगा ठीक है ना प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट स्पेसिफिक मीनिंग है वही यहां पर आता है लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर ये सारे इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर जो आ रहे हैं उसकी बात करते हैं लैंड बिल्डिंग है तो कैसे दिखाया जाएगा क्योंकि बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट्स हो गया तो बिल्डिंग कैसे दिखाना है मैं प्लान पे दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगा यू विल राइट हेयर बिल्डिंग फिर यहाँ पर अपने प्लान्ट लिख रहे हैं या मशीनरी लिख रहे हैं तो मशीनरी कैसे दिखाना है उसकी बात हो रही है तो मशीनरी और मशीनरी आप कॉलम देकर यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ये किसी भी आसिस के साथ होता है मैंने लैंड बिल्डिंग में ऐसा माना कोई एडजस्टमेंट नहीं है मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मशीनरी के साथ एडजस्टमेंट है तो इसे कैसे शो करते हैं ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो आपको पहले लिखना है ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद नेक्स्ट उसके साथ एडिशन होता है ड्यूरिंग द ईयर जो आपने और ख़रीदा है वो इसके साथ ऐड करेंगे प्लस होगा एडिशन फिर आपका इससे लेस होता है डिडक्शंस यदि आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने बेचा है तो डिडक्शंस को माइनस किया जाता है उसके बाद ओपनिंग बैलेंस एडिशन डिडक्शन होने के बाद लेस्ट लेस इसमें फिर अपने क्या करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रेशिएशन में भी आपको कई कहानी मिलेंगे प्रोविज़न फ़ॉर डेप्रेशिएशन किस तरीके से दिया हुआ रहेगा तो उसके साथ होगा ओपनिंग बैलेंस ठीक है ओपनिंग बैलेंस और यदि कोई एसेट्स बिक गया है डिडक्शन हुआ है तो उस केस में उससे रिलेटेड डेप्रीशियशन माइनस किया जाता है तो ओपनिंग बैलेंस से लेस करेंगे डेप्रीशियशन डेप्रीशियेशन ऑन सोल्ड प्लांट और प्लस करेंगे अपने क्या तो प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है उससे आप जो डिस्पोज हो चुका है एसिड उसका डेप्रिशिएशन माइनस होता है क्योंकि अब वो एसेस है ही नहीं यूज में इसलिए उससे रिलेटेड एप्रिशिएशन हटा दिया जाता है और जो एसेस हमारा अभी यूज में है उसके ऊपर जो करंट ईयर का डेप्रिशिएशन होगा वो यहां पर क्या होगा ऐड होगा तो ऐड करेंगे डेप्रीशिएशन फॉर करंट ईयर करंट ईयर डप्रिशिएशन फॉर करंट ईयर ये जो प्रोविज़न फॉर डेप्रीशियेसन है वो अल्टीमेटली माइनस किया जाता है कैसे आएगा वो मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाया हूँ कि आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसके साथ डप्रिशिएशन ऑन सोल्ड प्लांट को लेस करना है एंड डेप्रीशिएशन फॉर करंट ईयर ऐड करना है ये ध्यान रखना है आपको कि अल्टीमेटली हो क्या है माइनस करना है डेप्रिशिएशन ऑन सोल्ड प्लांट और प्लस करना है डेप्रिशिएशन ऑन एडिशन जो एसिड्स हमारा ऐड हुआ है मतलब कि सॉरी करंट ईयर में जो एसड्स मतलब यूज़ में है उसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन हो रहा है वो अपने ऐड कर देंगे जो रिजल्ट आया उसे अपने यहाँ पर क्या करेंगे फाइनल फिगर में पहुँचाएंगे हर डेप्रेशियबल एसिड्स के साथ ऐसे ही आपको शो करना होता है तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कैसे प्रजेंट किया जाता है तो बोलते हैं कि हर एसेस के साथ अपने मतलब जो डेप्रीशियबल एसेट्स है उसको इसी तरीके से शो किया जाता है और उसे आउटर कॉलम में लिखा जाता है एवरी एसेट्स और फाइनल फिगर जो होता है ना पीपीई वो वहाँ पे शो कर देते हैं तो लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर के साथ भी इसी इसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस एडिशन डिडक्शंस करके दिखाया जाता है तो आपको यहाँ पर जो दिखाना है फिर नेक्स्ट जैसे मान लो फर्नीचर है तो फर्नीचर आप यहाँ पर लिखोगे एंड फर्नीचर जो है वो यहाँ पर ऐसे शो कर दिए ठीक है ना तो ये माइनस कर दिए अल्टीमेटली फर्नीचर और माइनस करके जो रिजल्ट आया सॉरी माइनस क्यों करेंगे सॉरी टोटल कर देंगे अब इसके बाद और ये हमारा और भी आइटम जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो सब यहीं पे लिखा जाएगा एंड दिस विल बी कैप्ट वेयर जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वहाँ पर ये सारे चीज़ लिखे जाएंगे ठीक है ऐसा लग रहा होगा एग्ज़ाम में कैसे होगा तो उसका चिंता मत करो स्पीड आएगा और स्पीड आएगा तो अपने आप ये सब चीज़ बन जाता है लेकिन बिना प्रैक्टिस प्रोफेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है आप इंटेलिजेंस के साथ प्रैक्टिस को जोड़ दीजिए इंटेलिजेंस की कमी है नहीं आप इंटेलिजेंट हो तो आई क्यू लेवल अच्छा है केवल और केवल आपको ऐड करने की ज़रूरत है मेहनत तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप प्रॉपर वे में चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे आपका मेहनत रहेगा तो सक्सेस भी आएगा बीच में रुक कर इसलिए इधर उधर की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लिखते लिखते और सुनते सुनते बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ केवल काम की बात सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये आने लगता है अरे बहुत डिफिकल्ट है तो छोड़े तो क्या छोड़े हर चैप्टर में जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है जहाँ कंपनी अकाउंट्स इन्वाल्व है वहाँ पर बैलेंस शीट है पी है तो आप छोड़ेंगे तो क्या छोड़ देंगे कुछ भी छोड़ने लायक है नहीं सब कुछ करना है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको ये करना ही है मैं वही चीज़ केवल करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी काम आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद जो नॉर्मली शेड्यूल बनाना पड़ता है वो है ट्रेड आ, पेबल का जो मुझे ध्यान आ रहा है इंटेंजिबल एसेस का भी आ सकता है जिसके अंदर में पेटेंट्स कॉपी ट्रेडमार्क गुडविल ये आते हैं तो वो वहाँ पर आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का जैसे सी नंबर पे है उसके लिए कुछ नहीं रहता है डेफर टैक्स एसेस भी आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस भी नहीं मिलेगा अदर नॉन करेंट ऐसे मिल सकता है ठीक है ना और इधर में करेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगा इन्वेंट्रीज मिलेगा तो आपको इन्वेंट्रीज का शेड्यूल बनाकर बताना पड़ेगा कि ये फिनिश गुड्स है ये रॉ मटेरियल्स है ये वर्क इन प्रोग्रेस है तो ये सारा बात आपको इन्वेंट्रीज़ का भी डालकर वहाँ पर दिखाना पड़ता है तो आपका नेक्स्ट जो है वो है मैं शेड्यूल वाइज जा रहा हूँ तो इन्वेंट्रीज़ का भी बनता है मैं बोल रहा हूँ ट्रेड रिसिवेबल्स के लिए भी बनाया जाता है कैश एंड कैश इक्यू के लिए भी बनाया जाता है ये सारे शेड्यूल बनते हैं तो अपने वैसे ही करते हैं इन्वेंट्रीज़ का शेड्यूल एक बनाकर दिखा देते हैं आपका ट्रेड uh, रिसीवेबल्स में भी कोई चीज़ आएगा वो कैसे आएगा वो भी आपको बताते हैं तो so, चलिए फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे और क्या बनाएंगे तो ट्रेड इन्वेंटरीज uh, तो नेक्स्ट जो है नंबर सिक्स जो शेड्यूल बना रहे अपने नंबर सिक्स और वो है uh, आपका इन्वेंटरीज इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज के अंदर में आपका क्या आने वाला है उसकी बात करते हैं तो इन्वेंट्रीज के अंदर में आपका आने वाला है नंबर वन ट्रेड सॉरी फिनिश्ड स्टॉक एक्सप्लेनेटरी नोट्स में वैल्यूएशन प्रिंसिपल तक लिखना पड़ता है कॉस्ट फॉर्मूले लिखना पड़ता है प्रैक्टिकली अभी आपके अकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि आप फिनिश स्टॉक के लिए कौन सा वैल्यूएशन प्रिंसिपल जो अप्लाई किए वो और साथ में आपने कौन सा कॉस्ट फार्मूला यूज़ किया लाइक फीफो फॉलो कर रहे हैं वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं एवरेज फॉलो कर रहे हैं so सो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इन्वेंट्रीज के लिए आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया तो फिनिश स्टॉक फिर इसके बाद नंबर टू होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि वो स्टॉक जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है और फिर आपका नंबर थ्री हो जाता है रॉ मटेरियल्स जो कि कच्चा गुड्स है यानी अभी उस पर कोई भी वर्किंग स्टार्ट नहीं हुआ उसको अपने रॉ मटेरियल्स कहते हैं इन सब का टोटल आपको करके और वहाँ पर शो करना पड़ता है ये सिक्स नंबर शेड्यूल हो गया नंबर सेवन नंबर शेड्यूल से पर आएंगे जो कि ट्रेड रिसिवेबल्स का होगा तो ट्रेड रिसबेबल्स में क्या दिखाते हैं अपने तो ट्रेड रिसबेबल्स में डेटर्स सॉरी ट्रेड पेबल्स का बात कर रहे हैं तो ट्रेड पेबल्स में कई दिखाते हैं एंड बिल्स पेबल आता है तो ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स और ट्रेड पेबल्स में आपका जो आने वाला है यहाँ पर तो ट्रेड पेबल्स में आ जाएगा आपका नंबर वन दैट इज़ सन क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बिल्स पेबल ये अपने यहाँ पे शो करते हैं ये टोटल कर दो हो गया इसकी कहानी खत्म तो ये आपका ट्रेड पेबल्स हो गया नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स के बाद आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बनाना पड़ता है तो नंबर एट शेड्यूल जो होगा वो होगा चीज के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए तो इसका भी हेडिंग डालेंगे एंड हेडिंग में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखो कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है ये भी आप समझ लो तो कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम से लेस देन 90 डेज के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको कैश इक्विवेलेंट कहते हैं नंबर वन एंड जिसका मेच्योरिटी अमाउंट सर्टेन हो यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम लिक्विड हो जाए लिक्विड हो जाए मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाए रिडीम हो जाए उसके मनी रियलाइज हो जाए तो जैसे हम लोग शेयर में पैसा लगाएं वो भी तीन दिन के अंदर अंदर पैसे मिल जाते हैं और बैंक में एफडी करें तो उसे भी शॉर्ट पीरियड के लिए आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो भी आपको मिल जाएगा बट दोनों के बीच में एक डिफरेंस है दोनों के बीच में एक डिफ़रेंस है कि शेयर का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है कि आपको आज से दस दिन के बाद क्या मिलेगा और आपका जो बैंक में जो आपने बॉन्ड्स वगैरह ख़रीदा है या बैंक में आपने एफ वगैरह किया है शॉर्ट पीरियड के लिए तो उसका अमाउंट सर्टेन होता है कि हाउ मच यू विल गेट एट ऑन मेच्योरिटी तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया एक का आपको मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा ये आपको पता है और दूसरे का आपको नहीं पता है तो जिसका आपको पता है कि ऑन मेच्योरिटी हाउ मच यू विल रियलाइज हाउ मच यू विल गेट जब आपको पता है तो आप क्या करते हो कि कितना मिलेगा वो आप वहाँ पर क्या करते हो कि मेच्योरिटी uh, अमाउंट जो है वो सर्टेन uh, है इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका सर्टेन होते ही अल्टीमेटली आप उसे कैश इक्यू बैलेंस में ले सकते हैं इसमें जो आता है वो लिख लेते हैं इसमें आ जाता है कैश इन हैंड कैश एट बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटीज उसको बोलते हैं जिसका मेच्योरिटी सर्टेन होता है उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं तो उसे भी यहां पर ले लेते हैं टी बिल्स भी होता है ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं उसको टी बिल्स बॉन्ड्स भी होता है ये सारे का टोटल जो आएगा वो कैश एंड कैश रिक्यूबैलेंस वाले कॉलम में चला जाएगा और तो सारा हो ही गया इसमें इस और बेसिकली हम लोग जो बैलेंस शीट बनाए तो इस तरीके से उसका जो बैलेंस शीट में फिगर जा रहा है आप देख रहे हो ना उसका इस तरीके से एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना पड़ता है इवन इन एग्जाम यू नॉट अवॉइड दिस यदि आप एग्ज़ाम में ये अवॉइड करेंगे तो अगला मार्क्स देने में भी अवॉइड करेगा रिमेंबर दिस तो इसलिए आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन डालना पड़ेगा आ, आप फाइनल फिगर डायरेक्टली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके लिख देंगे तो मार्क्स विल बी गिवन इन कैलकुलेटर तो आपको प्रॉब्लम होगी तो ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे कंप्लीट हो गया नेक्स्ट हम लोग जो मूव करेंगे वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ चलते हैं ठीक है उससे पहले एक आप ले लो ब्रेक ब्रेक के बाद आ, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे ठीक है ना चलिए ब्रेक है आपका मतलब ये आप एक म्यूज़िक सुन लो अच्छा अपने लिए ब्रेक ले लो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फॉर्मेट सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी चार सेक्शन होते हैं इसमें बेसिकली प्रॉफिट में पहला सेक्शन इनकम के लिए है दूसरा सेक्शन एक्सपेंसेस के लिए है तीसरा सेक्शन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए है एंड फोर्थ सेक्शन जो है वो अप्रोपेशन के लिए यानी कि आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो इस चार पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं अब हम लोग यदि फॉर्मेट की बात करें तो इसका भी फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है जितना बैलेंस इंपॉर्टेंट है उतना पी एन एल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव से प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव से दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ऐसा मैं बोलूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अच्छे से आना चाहिए बट उसका यूसेज बाकी चैप्टर्स में एप्लीकेशन कम है कंपेयर टू बैलेंस शीट ऐसा नहीं है कि वो आपके काम का नहीं है आप ऐसे ही अपना टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो बिल्कुल नहीं काम का है और ये टाइम आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो फ्रूटफुल रहेगा अपने यहाँ पर फॉर्मेट सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो शेड्यूल थ्री पार्ट टू के हिसाब से बनता है इसके अंदर में आप क्या करेंगे फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे फॉर्मेट में अपने ड्रॉ करते हैं सबसे पहले अपने एक बॉक्स बना लेते हैं ये आपका प्रीवियस ईयर का डेटा करंट ईयर का डेटा नोट्स टू अकाउंट्स एंड टोटल ठीक है ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया इसमें अब आपको भरना है फॉर्मेट में आप लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ठीक है और यहां पर हेडिंग डाल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड जब के लिए आप बना रहे हो पीरियड एंडेड डेट डालेंगे ठीक है ये आपका जो डेटा होगा वो करंट ईयर दिस इज प्रीवियस ईयर दिस इज नोट्स टू अकाउंट्स या नोट नंबर एक्सप्लेनेटरी नोट्स होता है इसमें भी फर्स्ट पार्ट जो इसमें होगा आपका चार पार्ट में पी को बनाया जाता है पहला पार्ट जैसे मैंने बताया फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका किसके लिए सो दैट इज फॉर फर्स्ट पार्ट इज फॉर पी एल इनकम सॉरी तो लिखेंगे इनकम इनकम में आपका सेल्स हो गया और अदर इनकम बस दो ही पार्ट दो ही पार्ट में ग्रुपिंग किया जाता है इनकम में दो ही सेक्शन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया डायरेक्टली सेल्स जो आपको यहां पर दिखाना है दूसरा है आपका अदर इनकम तो अदर इनकम्स आपको यहां पे शो करना होगा अदर इनकम्स तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम्स ये दिखा दिए दिखाने के बाद नेक्स्ट जो है आप इसे टोटल कर देंगे यहीं पर इसे यहीं पर टोटल करना है ये हो गया आपका टोटल इनकम जो कि ये फर्स्ट पार्ट है आप देख सकते हैं ये टोटल इनकम जो है वो पार्ट वन में हुआ वैसे ही आपको एक्सपेंसेस हेडिंग डालना है और वो जो होता है वो पार्ट टू में होता है एक्सपेंसेस तो ये आपका सेकेंड पार्ट में जो है वो एक्सपेंसेस आ जाएगा तो हेडिंग डाल देंगे एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस में आप क्या करोगे तो एक्सपेंसेस में होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ठीक है जो खर्चा होता है कुछ हेड बना दिया जाता है और ये कोई आपका हेड्स नहीं है जनरली एकेडमी के लिए होता है बट आप रियल लाइफ में देखेंगे ना तो ये चेंज होता रहता है ऐसा नहीं है ये एक एग्जांपल है हेड्स uh, आप अपने हिसाब से जिस जिस आइटम्स uh, के ऊपर आपका ज़्यादा खर्चा होता है उसका एक हेड बन जाएगा तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स आइडिया है और यही करना है हर बार ऐसा भी नहीं है एक्सपेंसेस में आपका क्या करना है तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ये हो गया इससे आप फिर क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद नेक्स्ट एड हो जाएगा आपका परचेज ऑफ इन्वेंट्री जो आपने इन्वेंट्री खरीदा वो आपको यहाँ दिखाना है दूसरा होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री लेवल होता है यानी कि आपकी ओपनिंग में जो इन्वेंट्री था और जो ईयर एंड में इन्वेंट्री है उसके अंदर में डिफरेंस होता है हो सकता है शुरू में आपका इन्वेंट्री एक लाख रुपए का है और ईयर एंड में आपके पास इन्वेंट्री डेढ़ लाख रुपए का है दैट मीन्स की सीधी सी बात है कि आपका इन्वेंट्री यदि एक लाख से डेढ़ लाख हो गया तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर आ, पचास हज़ार रुपए जो आपने इस बार मटेरियल परचेज भी किया है वो स्पेंड नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है कि आपका इन्वेंट्री जो ख़रीदा आपने वो एक्सपेंसेस जो है वो उतना हो नहीं पाया तभी तो इन्वेंट्री आपका बढ़ गया यदि सारा बिक गया होता तो आपका इन्वेंट्री बढ़ता नहीं इन्वेंट्री कम हो गया होता फिर से बोल रहा हूँ मैंने ऐसे दस पेन खरीदे तो यदि मैंने ऐसे टेन पेन खरीदे और मेरे पास पहले से दो था तो सीधी सी बात है कि अब यदि मैं कितना सेल कर रहा हूँ उसके बेसिस पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा सपोज कर लो कि बिगनिंग में दो था दस मैंने खरीदा टोटल ट्वेल्व अब लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सेवन बेचा तो सेवन इस बेचा इसका मतलब है मेरा ओपनिंग वाला दो बच ही गया और जो मैंने दस खरीदा था आउट ऑफ विच तीन बच गया तो दो और तीन पाँच हमारे पास बचे हुए हैं ठीक है ना या ऐसा भी हो सकता है दूसरा सिचुएशन सोचते हैं कि शुरू में मेरे पास बिगनिंग में टू था टेन परचेज किया टोटल हो गया ट्वेल्व सो ट्वेल्व और मेरे पास Uh, मैंने सेल कर दिया इलेवन तो इसका मतलब है कि क्लियर कट है जो मैंने ख़रीदा टेन वो तो बेच ही दिया और एक दो मेरे पास बिगिनिंग में पड़ा हुआ था आउट ऑफ टू मैंने एक बेच दिया समझ लीजिएगा एक बार नंबर से ध्यान नंबर के साथ खेलिए आपको इजी लगेगा मेरे पास ऐसा दो शुरू में था दस मैंने और परचेज किया टोटल बिकम्स ट्वेल्व मैंने इलेवन बेच दिया तो कैन आई से लाइक दिस कि 11 वर सोल्ड आउट 10 वर सोल्ड आउट जो परचेज किया गया था करंट ईयर में वहाँ से मैंने 10 पर बेच दिया ठीक है और जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था वहाँ से भी मैं एक यूनिट बेच दिया तो 11 कैसे बिका उसका डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन ये हुआ दूसरे में अब पहला केस एक और केस जो मैंने बोला था शुरू में उसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास दो था दस मैंने खरीदा और मैंने सेवन बेचा तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि जो मैंने परचेज किया है सेवन टेन आउट ऑफ विच सेवन सोल्ड तो उसमें से बच गया तीन ठीक है उसमें से बच गया तीन और जो मेरा बिगनिंग में दो पड़ा हुआ था वो अभी भी है तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल को भी हम कंपेयर करेंगे कि मेरा शुरू में इन्वेंट्री क्या था और लास्ट में इन्वेंट्री क्या है तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री के बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री लेवल होता है आपका इन्वेंट्री बढ़ सकता है और आपका इन्वेंट्री कम भी हो सकता है तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है देखो प्लस कब होगा और माइनस कब होगा मैं बता दूं प्लस होगा जब मेरा जितना यूनिट मैंने खरीदा उससे ज्यादा बेच दिया तो वो मेरा ओपनिंग स्टॉक को मैं कॉस्ट बल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहां पॉजिटिव आएगा लेकिन जितना मैंने खरीदा उससे भी कम मैंने बेचा तो इसका मतलब है कि मेरा जो परचेज है दैट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू द स्टॉक इसलिए यहां पर नेगेटिव होगा तो याद रखिएगा इन्वेंट्री यदि बढ़ता है शुरू से जितना था और बाद में जो है उसका लेवल चेंज होता है तो इसका मतलब है कि दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट एक्सपेंसिस में वो नेगेटिव बोलकर आएगा क्यों नेगेटिव होगा क्योंकि जो नहीं बिकता है वो एसेट्स कहलाता है तो एक्सपेंसेस को आपको एसेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक्सपेंसेस को कम करेंगे तभी तो जाके वो एसेस बनेगा फिर से बोल रहा हूँ मैंने दो ऐसे पेन थे मेरे पास दस मैंने और परचेज़ किए टोटल हमारे पास टेन टो, टोटल ये डिजिटल पेन ट्वेल्व हो गए मैंने बेच दिया सेवन तो इसका मतलब जितना मैंने खरीदा वो मैं बेच नहीं पाया तो इसका मतलब है इन्वेंट्री मेरे पास पहले से दो था और तीन बढ़ा तभी तो पांच हुआ तो ये जो तीन बढ़ा ना तो दस हमने जो परचेज किया था वो तो मैं यहाँ दिखा के रखा हुआ हूँ ये दस का कॉस्ट है लेकिन अपने को पता है दस तो बिका ही नहीं ना तो मेरा बिका है कितना सेवन तो हमारा बच गया कितना थ्री इसलिए ये थ्री जो है ना वो यहां पर एज ए नेगेटिव आएगा तभी तो दस माइनस थ्री दस माइनस थ्री सेवन का कॉस्ट आ जाएगा तो चेंजेस इन इन्वेंट्री लेवल को थोड़ा ध्यान से करना है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है आ, उसके ऊपर आपका है आ, इसका सम्स में हम लोग करेंगे आएगा वहाँ पे नंबर्स के साथ करेंगे अभी भी मैं नंबर्स के साथ ही बोल रहा था तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है नेगेटिव कब करना है मैंने बताया पॉजिटिव कब होगा वो भी मैंने आपको सिचुएशन आपके साथ डिस्कस किया है Uh, फिर से अपने आगे बढ़ते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद होता है इम्प्लॉयज़ बेनिफिट कॉस्ट अब यहाँ पर चाहे इम्प्लॉयज़ को आप कोई भी तरह का बेनिफिट दें अलग से उसका एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनेगा कि बोनस दे रहे हैं ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं यूनिफॉर्म अलाउंस दे रहे हैं या आप उसको बेसिक वेजेस दे रहे हैं डेयरनेस अलाउंस होता है कई तरह का अलाउंसेज होता है एंड ऑल द अलाउंसेज वर गिवन टू द टू द इम्प्लॉयज़ तो बोलते हैं कि आप किसी भी नाम से पेमेंट करो वेदर इट इज़ वेज और इट इज़ सैलरी और बाई एनी नेम तो उसे अपने यहां पर क्या करेंगे किसी भी नाम से दें तो दैट शुड बी केप्ट हेयर यहां पर अपने इंप्लाइज बेनिफिट कॉस्ट के नाम पर दिखाएंगे तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा इंप्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट इंप्लॉयिज बेनिफिट कॉस्ट इंप्लायिज बेनिफिट कॉस्ट के बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे दैट इज़ नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका क्या होने वाला है उसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट होने वाला है आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट कॉस्ट के बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका फाइनेंस कॉस्ट जो कि डिवेंचर इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह वगैरह जो भी तरह का आपका डिस्काउंट ऑन ईश्यू ऑफ डिवेंचर्स ये सारे आपके फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट के बाद नेक्स्ट आप जो दिखाएंगे वो क्या है तो से बेसिकली ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चा होता है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं तो और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कोई जो हेड में नहीं आ पाया उसे अदर एक्सपेंसेस के कैटेगरीज में लेते हैं अदर एक्सपेंसेस ये आपके एक्सपेंसेस का काम खत्म हो गया सारा एक्सपेंसेस अपने ले लिए ठीक है तो ये दो पार्ट हुआ इनकम दूसरा एक्सपेंसेस इनकम और एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट जो है अपना बचता है वो ये है कि आ, तीसरा पार्ट इन दोनों का रिजल्ट निकालना होता है इनकम से एक्सपेंसिस को माइनस करना होता है आ, ये जो हम लोग निकालते हैं ये अपने फ्रॉम द अपने ऑपरेटिंग बिजनेस को भी डिवाइड करना पड़ता है ये, ये रिजल्ट जो आया है ये आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इसके अंदर इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है तो ये जो रिज़ल्ट अपने लेते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अभी कंसिडर नहीं किए गए जो नॉर्मली नहीं होते हैं वो उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं तो एक्सक्लूडिंग मतलब अदर देन uh, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो ये हो गया आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग अपने नहीं ले रहे हैं तो यहां पर अपने लिखेंगे तीसरा नंबर हेड डालेंगे नंबर थ्री तीसरा नंबर हो जाएगा आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये कैसे आएगा आपका वन माइनस टू वन माइनस टू ये जो आया रिजल्ट इसको अपने बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राडिनरी आइटम्स अभी यहाँ पर क्या करना है आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अब बिजनेस में इनकम जो हो सकता है कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी डिस्क मतलब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग की जगह पे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा आइटम्स होना चाहिए ये मैं मिटा दूंगा फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट फ्राम कंटिन्यू ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स कंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस का वो पार्ट ठीक है ना या वो लोकेशन जो हम लोग बिजनेस रन कर रहे हैं कभी कभी क्या होता है बिजनेस ये डिसाइड करता है कंपनी कि हम एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को बंद करेंगे ये डिसीजन ले लेती है बट बंद करने के लिए भी टाइम लगता है जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी रोकना चाहे तो तुरंत थोड़ी रुक जाएगी थोड़ा आगे बढ़ के तो रुकेगी ना वैसे ही कंपनी का डिसीजन ले लिया गया कि कंपनी को बंद किया जाएगा या कंपनी एक अपने सब्सिडरी को बंद कर रही है या कंपनी एक प्रोडक्ट को बंद कर रही है या कंपनी एक जोग्राफिकल लोकेशन को बंद कर रही है तो बोलते हैं कि कंपनी जब ये डिसीजन लेती है कि मुझे ये बंद करना है तो बोलते हैं वो फिर भी दो तीन साल तक चलता रहता है तो फिर बोलते हैं ना कि रिपोर्टिंग वाइज द प्रॉफिट फ्रॉम सच एक्टिविटी शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली ऐसा नहीं है कि उसको मिंगल कर देना है आपको क्या करना होगा फिर उसे सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये वो बिजनेस इनकम है जो हम चलाएंगे ही और ये इनकम जो मेरा एक अलग से भी इनकम आ रहा है या लॉस आ रहा है जो कि हम नहीं चलाएंगे ये आगे जाके बंद होने वाला है ताकि रिपोर्ट को देखने वाले को बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि अपने ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये जो बिजनेस कर रहे हैं तो कंटिन्यूइंग से क्या आने वाला है और डिसकंटिन्यूइंग से क्या आने वाला है दैट्स वाई ये सेपरेटली रिपोर्ट किया जाता है साथ ही साथ कभी कभी मान लेते हैं कि प्रोडक्ट कभी अपना आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन में और डैमेज हो गया एंड इसके कारण इंश्योरेंस कंपनी अपने उसके बदले में क्या करता है क्लेम कंपेन्ट करता है तो क्लेम देता है तो बोलते हैं कि ये आइटम जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया अब यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है कि इंश्योरेंस क्लेम मिला और एक्स्ट्रा के कारण आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो बोलते हैं वो आइटम आपको या लॉस होता है बोलते हैं दैट शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली देखने वाले को ये मालूम चलना चाहिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट आया है वो आपका ऑर्डिनरली कितना हो रहा है वो उसे ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ज्यादा दिखना चाहिए तो बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ मतलब दिस पी इन सच ए वे जो कि नॉर्मल सोल में ये सब चीज मिसिंग होता है वहां पर ये चीज दिखती नहीं है वहां पर इस तरीके से आ, मतलब जरूरत नहीं होता है और ना ही मतलब लोगों का वहां पर इंटरेस्ट होता है यहां पर हो गया प्रॉफिट बिफोर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ठीक है ना फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा आइटम्स तो आप समझ ही गए कि इसके नीचे क्या आने वाला है तो इसके नीचे आने वाला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक्स्ट्राडिनरी आइटम्स को प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है वो यहाँ दिखाया जाता है एक्स्ट्राडिनरी आइटम्स एडजस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन आफ्टर एक्स्ट्राडिनरी आइटम्स ठीक है ना तो आप यहाँ पर लिखेंगे अब प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूंग ऑपरेशन आफ्टर कंसिडरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ईओ आई नाव मूव करेंगे इसके आगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूंग ऑपरेशन फ्टर कंसिडरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो अब अपने किसको कंसिडर करने वाले हैं अब हम लोग प्रॉफिट लेंगे फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो यहां पर अब आपको ले, लेना है प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन लॉस भी हो सकता है कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो अपने प्रॉफिट बोल रहे हैं मतलब कि इंक्लूडिंग नेगेटिव तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर तो आप लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर ये निकल आया अब जब प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल आया तो नेक्स्ट अपने इसके बाद करना क्या है तो अब यहाँ पर आपको टैक्स का ट्रीटमेंट करना है टैक्स करेंट ईयर का होता है एंड डेफर टैक्स होता है इसे भी हम लोग अलग से कवर करेंगे बट फाइनल अकाउंट चैप्टर में इसका और एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपको हमेशा करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है नेक्स्ट लिखना है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स ये प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स था तो वो लिख देंगे यहां पर बिफोर टैक्स अब यहां पर लिखेंगे इसके नीचे प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स उसके नीचे लिखेंगे करंट ईयर करंट ईयर जो करेंट ईयर का प्रोविजन होगा वो यहां दिखाना है और नंबर टू आपको जो दिखाना है वो है डेफर टैक्स तो डेफर टैक्स का भी एडजस्टमेंट होगा अब जो रिजल्ट आया आपका वो रिजल्ट कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हरियाली लेके आया तो ये क्या कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आ गया अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब आपका निकल आया प्रोविजन फॉर टैक्स तो नेक्स्ट अब आपको करना क्या है तो बोलते हैं नेक्स्ट है अप्रोप्रिएशन पार्ट मैंने बोला था चार पार्ट है आप देखिए ठीक से मैंने अभी तक तीन सेक्शन कंप्लीट किया है यहाँ पर और ये आपका तीन सेक्शंस दिख रहा है पहला इनकम दूसरा एक्सपेंसेस और तीसरा है आपका प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब प्रॉफिट वाला प्रॉफिट और लॉस तो उसमें आपका पहले कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आता है उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को इंक्लूड किया या इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसके बाद आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और फिर उसके बाद टैक्स का ट्रीटमेंट आता है इस तरीके से और फोर्थ पार्ट जो होता है इसका फोर्थ सेक्शन इज फॉर फोर्थ सेक्शन इज आपका appropriation. तो अब यहां पर होगा एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे अपने तो अप्रोप्रिएशन में जैसे कि जो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल जो कि लास्ट ईयर से पीएल सरप्लस बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस इन पीएल इन पी एल ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर जो भी फिगर है लास्ट ईयर से आप लेके आए वो उसमें ऐड करना है आपको ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया वही वाला पार्ट वो यहाँ पर आपको क्या करना है ऐड कर देना है इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में आपको क्या करना है माइनस करना शुरू करना है क्या चीज़ के लिए तो ट्रांसफर टू रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व यदि डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड डिविडेंड पेड वो भी माइनस करना है और तब जो रिजल्ट आएगा लास्ट में ये बैलेंस आपको क्या करना पड़ेगा कैरी थ्रू बैलेंस शीट करना पड़ेगा यानी इसे बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं तो इसे सरप्लस हेड में जो आप रिजर्व एंड सरप्लस एक हेड बनाते हो शेड्यूल टू बनाए होंगे तो शेड्यूल टू में इसे दिखाएंगे तो इसे आप लिखेंगे बैलेंस कैरी थ्रू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड थ्रू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड थ्रू बैलेंस इट तो इसका मतलब ये हो गया पीएल का पूरा फॉर्मेट आपको चार सेक्शन याद होने चाहिए अच्छे तरीके से आपको पूरा दिखा रहे हैं पहला है इनकम देख सकते हैं दो पार्ट लाया गया इसके अंदर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम्स दूसरा पार्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस के अंदर में कोई फिक्स हेड नहीं है कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है ये बोलना गलत होगा कि यही फिक्स फॉर्मेट है हाँ बुक्स में हर जगह यही दिखेगा बट प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो इन्फोसिस का पहला आइटम आ जाएगा इम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट वो कौन सा मटेरियल कंज्यूम्ड उसमें दिखाने वाला है तो उसका पहला आइटम ही आ जाएगा इम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट ये पहला आइटम होगा क्योंकि उन लोग का मेजर कॉस्ट जो है वो इम्प्लॉयज के ऊपर जाता है उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स आ गया कंटिन्यू ऑपरेशन वो होता है जो बिजनेस अपने चलाएंगे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन वो होता है जो अपने डिसीजन ले लिए कि बंद करेंगे बट अभी चला रहे हैं नहीं तो वहां से रिजल्ट कैसे आएगा तो बोलते हैं कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से क्या है वो सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ता है एंड डिसकन्टिन्यूंग ऑपरेशन से क्या है उसको भी रिपोर्ट करना पड़ता है उसके बाद आपका एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहाँ पर हमने दिखा दिया फिर प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर कंसिडरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स करने के बाद यह आ गया फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट ले लिए फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स आ गया टैक्स में आप क्या करते हो करंट ईयर का करंट ईयर का लेते हो और डेफर्ड लेते हो डेफर्ड का कोई एडजस्टमेंट होगा तो वो भी लेना पड़ेगा करेंट ईयर का टैक्स है इसके आ, वो लेंगे और फिर बाद में फोर्थ सेक्शन जो होता है वो अप्रोपियशंस होता है कि जो आपका पहले से पीएल में बैलेंस है वो ले आइए जो ड्यूरिंग द ईयर आपने यहाँ कमाया है वो यहाँ पर ऐड कर दीजिए इसके साथ दोनों ऐड करने के बाद ये रिज़ल्ट आया तो वो ऑब्वियस है इससे ये दोनों ऐड करने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया इस रिजल्ट से आप अप्रोपियेसन करना शुरू किए लास्ट में जो बचा दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड थ्रू बैलेंस शीट उसे आपको बैलेंस शीट के थ्रू दिखाना है समझ में आ रहा है तो ये हमारा आज का डिस्कशन रहा जो कि आज और कुछ नहीं करेंगे अपने फॉर्मेट की भारी भरकम सा और अगले क्लास में अपने सम्स करेंगे और कुछ और बातें सीखेंगे डिविडेंड के बारे में सीखेंगे अगले क्लास में और उसके बाद अपना सिर्फ सम्स प्रैक्टिस ही रह जाएगा तो आज का क्लास अपने बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है इस क्लास को आप मिस नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में और अपने मतलब इसी चीज़ का एप्लीकेशन करेंगे कई चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन आएगा हर प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ही यही है कि आप जब ये करेंगे तो आप चाहे सीए कर रहे हों सीएस कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब जगह ये है कॉमन तो आपका ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए कंपनी अकाउंट से जुड़े हुए हैं आप कभी भी आपके लिए कंपनी अकाउंट्स मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि कंपनी अकाउंट्स का लेस इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकली हो एकेडमिक हो हर जगह फुल इंपॉर्टेंस है तो जितना अच्छा आप इस पर ग्रिप करेंगे प्रैक्टिकली आप उतना अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे थैंक यू